सो बेस्ड ऑन द पब्लिक डिमांड ये वीडियो पूरा कोर्स ही है। ये कोर्स को शुरू करने से पहले दोस्तों एक चीज आपके माइंड में रखिएगा कि आप हिंदू नहीं हैं, ये निकाल के अपने माइंड से बाहर कर दीजिए। यू आर नॉट हिंदू, यू आर अ सोल। ये पहले आपको मान के चलना पड़ेगा कि यू आर अ सोल, ठीक है, तो ही आप ये चीज समझ पाएंगे, वरना आप ये चीज समझ नहीं पाएंगे। आगे ये कोर्स में पूरा आपको डिटेल से समझाने जा रहा हूं, खास करके आप जो है नीचे इंडेक्सिंग भी दिया गया है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, वो इंडेक्सिंग वाइज में क्या क्या टॉपिक्स हमने ये 33 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें जो भगवद गीता में से इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्टर इंपोर्टर के लिए और उनके लाइफ को सुधारने के लिए, वो सारी चीजें यहाँ पर रखी गई है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं। कई बार लोग कहते हैं हमारे घर में तो हम खूब कीर्तन कराते हैं साहब, कई होता है, कई लोग देखा है हमारे जान पहचान के, वो 100% EU एक्सपोर्ट यूनिट है उनकी, क्योंकि वो खूब मतलब कराते हैं, रेडियो वाले के सिंगर्स भी बुलाते हैं जो गाते हैं लोग, वाह टीवी वाले भी सब बुलाते हैं, पैसा है धनाब शनाब, तो वो इनको बुला के वो धर्म का स्थापित हुआ, धर्म थोड़ी स्थापित हो, क्योंकि धर्म की तो चर्चा हुई नहीं, ये तो एक सेंस ग्रेटिफिकेशन हो गया। कैसे? जैसे ये लोग करते हैं, वो जगराता करते हैं रात को, वो गाते हैं जो पिए हुए बैठे होते हैं, रात भर कैसे उठे, कहाँ धर्म स्थापित हुआ, धर्म कैसे स्थापित हुआ, क्योंकि बोलने वाला भी इसके लिए कर रहा है, इसके लिए तो वैसे ही खत्म हो गया, बोलने वाला वैसे ही खत्म हो गया, धंधा नहीं बना। आप चार्ज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कलयुग के अंदर अगर आपने चार्ज नहीं किया तो आपको एक पैसा नहीं देगा। तो इसलिए प्रभुपाद ने हमें क्या कहा, प्रभुपाद की आज्ञा ही है कि यहां मंदिर में कोई आया उसको फ्री सुनाओ, किसी के पास जाओ तो उससे पैसे लो, साथ में प्रभुपाद ने लिखा अदरवाइज पीपल विल कंसिडर यू टू बी चीप एंड दे विल नॉट रिस्पेक्ट यू। परंतु भावना नहीं होनी चाहिए वो कमाने की, भावना होनी चाहिए कि वो सत्य देना है, परंतु भावना नहीं होनी चाहिए वो कमाने की, भावना होनी चाहिए कि वो सत्य देना है। दोस्तों आप ये सोचिए कि कलयुग कैसे बैड है, राइट, जबकि ये कलयुग में आपको कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी मिली, आपके पास आज ऐसी सुविधा है कि आप जो इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो वो आपको तुरंत मिल जाता है, राइट, यू हैव गॉट अ वेरी गुड सर्च इंजिन, वेरी गुड स्मार्टफोन, जबकि पहले के टाइम पे एशियन एज में तो ऐसा था नहीं, इतना अच्छा टेक्नोलॉजी, इतनी अच्छी सुविधा, इतना अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बिल्कुल नहीं था। हाँ नो डाउट देर वेर गुड लेवल ऑफ पीपल, भगवान लेवल के लोग थे जो उड़ते थे, जिसके पास स्पेशल स्किल्स थे, लेकिन अगर हम आम आदमी की बात करें, पहले के एशियन टाइम के आम आदमी जैसे हम मैं और आप हैं, उसके पास तो ऐसी स्पेशल टैलेंट थी नहीं, ऐसी स्किल्स थी नहीं कि हर कोई उड़ पाए, ठीक है, या एट द फिंगर टिप्स आपको जो इन्फॉर्मेशन सीखना हो आप सीख सको। तो ये सारी इतनी अच्छी सुविधा कलयुग में है, देन वाई इट इज़ कंसिडर एज बैड, राइट, मुझे कोई बताते हैं कि कलयुग में सब बुरे लोग हैं, क्या ऐसा है, क्या आप बुरे हैं, क्या मैं बुरा हूँ, राइट, अब ऐसा क्यों बताया जाता है कि कलयुग में सब लोग बुरे हैं, अगर कलयुग में सब लोग बुरे हैं तो ऐसा क्यों बताया गया कि भगवान जो है कलयुग के एंड में कल्कि अवतार, कल्कि अवतार लेके लोगों को बचाने आएंगे, जबकि सब लोग बुरे हैं कलयुग में, then why God is coming to save us, क्योंकि हम तो बुरे हैं, क्यों बचाना आएंगे भगवान बुरे लोगों को, बुरे लोगों का तो भगवान कंसिडर एज बैड एज पर शास्त्र। तो दोस्तों कलयुग बैड इसलिए है क्योंकि कलयुग में हर एक क्षण ऐसा होता है जो आपको अपने गोल से दूर कर देता है,
दिस इज द इफेक्ट ऑफ कलयुग विच इज वेरी बैड, जिसके कारण डिससेटिस्फैक्शन, सैडनेस, ये सब बढ़ता है लोगों में, आपको भटकाया जाता है हर एक क्षण, हर एक मोमेंट आपको अपने गोल से भटका देगी, राइट? इसलिए कलयुग को सबसे खराब माना गया है। अब इसको मैं आपको डिटेल से एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैंने एक पोमोडोरो एप्लीकेशन डाला था, उसमें मैंने एक ही अपना टास्क डाला था कि मैं चैंटिंग कर सकूँ, राइट? क्योंकि बाकी सारी तो एक्टिविटी, अपना बिजनेस एक्टिविटी सब हम करते रहते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड वे से मैं टाइमली भगवान को समय दे सकूँ, मैं चैंटिंग कर सकूँ, इसलिए मैंने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राइट? ये मैंने चीज़ सेट किया। लेकिन फिर हुआ ये कि वो एप्लीकेशन में मैंने और भी टास्क ऐड करना शुरू किए, राइट? और जैसे मैं टास्क ऐड उसमें करता गया, राइट, तो मेरा जो भक्ति का जो टारगेट था, राइट, वो मैं अचीव नहीं कर पाया, वो कहीं ना कहीं छूटता नज़र मुझे आया, राइट? तो कलयुग वाई इट इज़ कंसिडर एज बैड, राइट, कि इनका हर एक क्षण हर एक इफेक्ट ऐसा होता है जो आपके गोल को, आपके टारगेट को भटका दे, राइट? क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चॉइसेस भी आपको कंफ्यूज कर देती है, राइट? कि जब आपके पास कम चॉइसेस होती है तब आप ज़्यादा खुश रहते हो। या हाउ टू स्टे ऑलवेज पॉजिटिव, राइट, ऐसा बताया जाता है। लेकिन अगर दोस्तों मैं हमारे शास्त्रों की बात करूँ तो भगवद गीता में क्लियरली लिखा गया है कि ये जगत, ये दुनिया दुखालियम है, राइट? अब व्हाट डू यू मीन बाय दुखालियम? मतलब दुखों का घर। दुनिया जो है ये दुखालिये है, दुखों का घर। अब चलो शास्त्रों की बात एक मिनट के लिए साइड में रखते हैं, राइट? लेट्स टॉक प्रैक्टिकली अबाउट इट। आप मुझे ये बताइए कि कौन से लोग अपने आप को परमानेंट हैप्पी बताते हैं। देखिए, सोशल मीडिया पे फोटोज़ देखना, राइट, उसमें हैप्पीनेस देखना और प्रैक्टिकल महसूस करना में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कभी कभी आप जो लोगों की तस्वीर देखते हो सोशल मीडिया में, दैट डजंट मीन दैट दे आर ऑलवेज हैप्पी। आप एक अपना सर्वे लगाइए। मैं यहाँ पर जो जो भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, राइट, उनको एक ओपन क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या आप हमेशा परमानेंटली हैप्पी रहे हैं अपनी लाइफ में, राइट? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि सुख दुख लाइफ में आते रहते हैं, राइट? ऑलवेज कुछ ना कुछ एरियाज में प्रॉब्लम्स आती रहती है। द बिगेस्ट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, डू यू नो, इज नॉट द सैडनेस। दुख आना, राइट, आपके जीवन में दुख होना, ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट वी हैव लॉस्ट अवर एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट दैट सिचुएशन, राइट? हमारी मेंटल एबिलिटी इतनी खोखली हो चुकी है, राइट, कि हम ऐसा चाहते हैं कि बस हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ही ना आए। देर इज़ अ वेरी फेमस कोट, प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, राइट? हमको हमारे शास्त्र ये सिखाते हैं कि प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन के लिए अगर आप प्रिपेयर्ड हैं, राइट, तो आपको प्रॉब्लम्स दिखेगी नहीं। बाई दैट वे हैप्पीनेस के दरवाजे खुलेंगे। आपके दुख का सबसे बड़ा कारण है एक्सपेक्टेशंस, अपनी महत्वाकांक्षाएँ, अपनी डिज़ायर्स। हमारे चीज़ें हमारी अनुसार नहीं होती है, तुरंत दुखी हो जाते हैं। ये अपनी एक्सपेक्टेशंस ना, पहले आप उसको हटा दे। सेट द गोल्स फॉर अदर्स, व्हेन यू हेल्प द वेल हेल्प अदर्स, चैंट इन अ प्रॉपर वे, देन द अचीवमेंट विच यू अचीव इज फार बियॉन्ड देन योर एक्सपेक्टेशन। इट वुड बी वे फार 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 बियॉन्ड देन योर एक्सपेक्टेशन, बट वी नेवर एक्सपेक्ट दैट, राइट? वी जस्ट एक्सपेक्ट कि हमको भगवान का प्रेम मिले, राइट? वॉट आई एक्सपेक्ट इज दैट मुझे कृष्ण प्रेम मिले, दैट्स वॉट माई अल्टीमेट गोल इज, एंड दैट शुड बी योर अल्टीमेट गोल, राइट? एंड दैट्स वॉट अवर शास्त्र स्पीक्स अबाउट। अभी कर्मा में मान लो कि आप अच्छा कर रहे हो, तो उसका आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। आप सक्सेसफुल बने, आपने दूसरों को सक्सेसफुल बनाया, हेल्प किया,
तो उसका रिटर्न तो भगवान को तो आपको देना ही पड़ेगा एज पर भगवत गीता। अब मान लो कि आपने बहुत ही ज्यादा लोगों को हेल्प की और आपने हेल्प ली नहीं, आपने हेल्प ज्यादा किया, यू हैव हेल्प पीपल इन ट्रिमेंडस वे, तो आपको नेक्स्ट बर्थ मिलेगा इस दुनिया में और आपको एक अपग्रेडेड लाइफ मिलेगी। आप यू वुड बी मोर रिचर, यू वुड बी मोर बेटर प्लेस्ड देन टुडे। अगर आप सरप्लस में हो, आपने बहुत कुछ दिया है, लिया नहीं है लोगों से, आपने दिए लिया है, यू कीप ऑन गिविंग अदर्स, देन यू हैव टू कम इन टू दिस अर्थ। अभी यहां पर मोक्ष की प्राप्ति में ऐसा होता है दोस्तों कि वापिस नहीं आना होता है दुनिया में, राइट? सीधा मोक्ष एक्सट्रीम हैप्पीनेस लेवल वो है कि आपको अर्थ में वापिस आना ना पड़े। ये हर शास्त्र, हर एक चीज में बताया गया है। तो यहां पर आप अच्छा एक्सट्रीम लेवल पे करते हो, बहुत अच्छा, तो उसका रिटर्न देने के लिए नेक्स्ट बर्थ आपको मिलेगा जरूर इस दुनिया में। तो कर्मा क्या है? जो नए नए शरीर, यानी कि न्यू बर्थ, न्यू लाइफ, नए नए शरीर दिलाने में मदद जो करता है वो है कर्मा, राइट? ये अभी विकर्म क्या है? विकर्म ये है जो बुरे डीड्स करते हैं। मान लो कि बहुत लोगों ने बुरा किया, राइट? अच्छा कर्म करो तो भी धरती में आना है, और बुरा कर्म करो तो भी धरती में आना है। यानी कि कर्म क्या है? जो नए नए शरीर दिलाने में हेल्प करता है, ये कर्म है, राइट? तो क्या कर्म ना करे? आप ये सोचिए, कर्म करना चाहिए, अकर्म। अब ये अकर्म कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैं आपको समझाता हूं। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज अकर्म? अकर्म ये है कि आप दूसरों की हेल्प कीजिए लेकिन उसका क्रेडिट आप खुद ना ले, उसका क्रेडिट आप भगवान को दे दे। अरे यार, ये तो भगवान ने कराया है, ये भगवान आपको हेल्प करा रहे हैं, इसमें मेरा नहीं। यू डोंट टेक योर क्रेडिट। अगर आपने क्रेडिट ले लिया, आपकी क्रेडिट हो गई, आपके अच्छे कर्म बढ़ गए, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको वापिस आना पड़ेगा दुनिया में। दुनिया में हैप्पीनेस के लिए नहीं बनाया है भगवान ने, राइट? आप समझ रहे हो, इस दुनिया में यू हैव टू सफर अ लॉट ऑफ पेन, सो मेक श्योर कि आपको मोक्ष मिल जाए, यही एक्सट्रीम हैप्पीनेस है। अगर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बढ़े, घर में मेरी वैल्यू कैसे बढ़े, सेल्फ रिस्पेक्ट, काफी क्वेश्चंस ऐसे मुझे आए। यहाँ पर दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ, पहले आप हो कौन, राइट? हु आर यू? आप पहले शरीर नहीं, आप आत्मा हो, राइट? आपको कुछ कोई कह देता है तो वो आपको नहीं कहता है, आपके कपड़े को कहता है, राइट? एक्चुअली आप आत्मा हो। आई एम नॉट किशन बाराय, राइट? मैं आत्मा हूँ, मैं एक बॉडी में रह रहा हूँ। इट इज सेम विथ यू, राइट? आप अपने, अब आप स्क्रीन में इमेज देखिए मेरा, राइट? जैसे मेरा बॉडी है और अंदर एक पर्सन है, तो जो बाहर दिख रहा है, जो किशन बाराय है, राइट, वो एक्चुअल में मैं नहीं हूँ, मैं वो अंदर का ब्लैक पर्सन हूँ जो खड़ा है, राइट? सो वो एक्चुअली आत्मा है। हाउएवर, आत्मा का कोई शेप और साइज नहीं होता और उसको आप देख भी नहीं सकते, लेकिन आपको आप समझ पाए, इसलिए ये इमेज है। रिलीजन को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप शरीर नहीं, आत्मा है, राइट? और आत्मा अमर होती है, उसको कोई कोई उल्टा सीधा बोल दे, कोई इफेक्ट नहीं होता, ना कोई उनको जला सकता है, ना कोई उनको ख़त्म कर सकता है। जब शरीर त्याग भी देता है तो आत्मा जो है शरीर में से निकल के किसी और शरीर में चली जाती है, अपने कर्म के अनुसार। कर्म अच्छे है तो अपग्रेडेड वर्जन मिलता है शरीर का, लाइफ का, या डिग्रेडेड वर्जन भी मिल सकता है, जैसे एनिमल किंगडम वगैरह। सीधी सी बात है। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचना ही नहीं है हमको, राइट? कि हमको कोई, ये देखिए यही दुख का कारण है, राइट? हम सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण, यही तो गलत सोच है कि लोग मुझे सम्मान करे, लोग मुझे मेरी वैल्यू करे, लोग जो है मुझे सलाम करे। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ दिस थिंग, यार लोग हमको रिस्पेक्ट देते नहीं है, दुखी हो जाते हैं। देखिए, जब सूरज उगता है, जब आप अच्छा काम करते हो, ऑटोमेटिकली आपको सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगा। इसके पीछे भागो नहीं, डोंट रन बिहाइंड शोहरत, फेम, बेकार है। सूरज उगता है, राइट? तो कभी कहता नहीं मैं उगा उगा उगा, दिख जाता है, राइट? जब आप काम करते हो दिख जाता है, डोंट रन बिहाइंड द सेल्फ रिस्पेक्ट। ये आजकल योगा का फैशन बहुत चल रहा है, बहुत लोग योगा करते हैं,
मैं उनको पूछता हूँ कि आप योगा कर रहे हो, आपका मेन पर्पस क्या है? तो कोई मुझे कहता है कि मुझे थोड़ा फिट रहना है, मुझे मेरा वेट लूज करना है, मुझे कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम है, तो योग करने से ठीक हो जाएगा या ठीक हो जाता है। लेकिन मैं हैरान हूं कि अभी तक किसी ने भी मुझे ये नहीं कहा कि मैं योगा मोक्ष के लिए करना चाहता हूँ, राइट? अब ये सारे योगा जो है, ठीक है, मैं ये इसको क्रिटिसाइज नहीं करता, आप हाथ पैर हिला रहे हो, ठीक है, आप ये योगा आप अपना करिए, मना नहीं है, लेकिन दिस इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट योगास, राइट? द बेस्ट योगा इज दैट कि जो आपको ईश्वर की प्राप्ति करने में यूजफुल हो सके। अल्टीमेटली आपने योगा सारा सीखा कहाँ से? सारा शास्त्र में है, राइट? वहीं से आपने सीखा, और मेन जो है उसका पर्पस ही भूल गए। आपको फिट रहना है ताकि आप जो है प्रॉपर भक्ति कर सके, राइट? आपका योगा का अल्टीमेट पर्पस ये है कि आपको कृष्ण भगवान के ऊपर अपना मन जो है, माइंड है, वहां पर फोकस लगाना है, जो करते नहीं है, बस हाथ पैर हिलाते हैं, ये सब करना, ये क्या है? ठीक है, ये सब करो, ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्यों हम फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचते, राइट? क्योंकि आप जब भी अपने कोई भी कार्य क्षेत्र में अपना काम करते हो, चाहे स्टडीज हो या बिजनेस हो, तो एंड तक पहुंचना चाहोगे ना, एक अच्छे लेवल तक पहुंचना चाहोगे ना, राइट? अपने एफर्ट्स पूरे लगाना चाहोगे ना, देन वाई यू आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट एरिया? आप योग का मेन पर्पस से क्यों काम नहीं करते? चलिए छोड़िए इन सब शास्त्रों की बातों को, प्रैक्टिकली बात करते हैं कि अपना कंसंट्रेशन लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम हमारे गोल की तरफ फोकस्ड रह सकते हैं, इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं मेरे प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल ही आपको बता सकता हूँ। जब मैं अहमदाबाद में था, राइट, मैं इनिशियल फेज मेरे जॉब के थे उस टाइम। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा, शायद कुछ लोगों को पता होगा, मैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन मैंने डेवलप किया था, वो है विजुअल निमोनिक्स डिक्शनरी। इसमें मैंने काफ़ी मेहनत की थी दोस्तों, राइट? क्योंकि जब मैं राजकोट में था, व्हेन आई वॉज डूइंग दी प्रिपरेशंस फॉर माई कम्पिटिटिव एग्जाम, और तब मैं भगवद गीता और ये शास्त्र से काफ़ी दूर था। इनफैक्ट मैं कृष्णा जी को कभी फॉलो भी नहीं करता था, टू बी फ्रैंक आपको बात कर रहा हूँ। हाँ, उस वक्त क्योंकि एक बचपन से मेरे दादी स्पिरिचुअल थे, मैं साइकिल से एक बार गिर गया था तो फ्रैक्चर मुझे हाथ में आया था। उस वक्त हनुमान जी का पाठ करने के लिए मुझे कहा गया था, तो बचपन से एक हनुमान जी का पाठ जो है मुझे दादी ने सिखाया था, जो मुझे आज भी याद है, राइट? तो मैंने जो अपना एक एप्लीकेशन जो है विजुअल निमोनिक्स डिक्शनरी पूरा का पूरा क्रिएट किया और उसको पब्लिश किया। उस वक्त मैं टारगेट रखा करता था कि मेरा सोच था मैं करोड़पति बन जाऊंगा इस एप्लीकेशन से, मेरा आइडिया इतना सुपर्ब है। लेकिन दोस्तों, ऐसा हुआ नहीं। द एप्लीकेशन ठीक है, एक अपनी जगह चला, लेकिन उसका रेवेन्यू बहुत ही कम था। इनिशियल फेस में मुझे $1-2 कुछ मंथ के बाद मिले, और फिर तकरीबन मेरा उसमें $25 जितना रेवेन्यू आ रहा था एडमॉप से। गूगल कीजिएगा, एडमॉप के बारे में पता चलेगा, तब से हम उस प्लेटफॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो उसमें तकरीबन $25 की एवरेज रेवेन्यू आती थी, जो कुछ भी नहीं माना जाता, राइट? उससे कुछ भी नहीं होता, और मेरी जॉब भी एकदम सामान्य थी उस वक्त, इनिशियल फेस में इंटरनेशनल ट्रेड में। तो मैं काफ़ी डीमोटिवेट हो गया था, और क्योंकि मेरे सारे गोल पर्सनल लेवल पे थे, मुझे पता नहीं था भगवद गीता के बारे में उस वक्त इतना ज़्यादा, तो मैंने कभी उनको फॉलो नहीं किया था, कभी कृष्णा जी को कभी मैं मानता नहीं था। लेकिन उस वक्त मैं एकदम डीपली, बहुत ही डीपली दुखी था,
और मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया, राइट, शुरू कर दिया मैंने, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुतारी, ये मैंने पूरा का पूरा शुरू कर दिया। अब स्थिति ये हुआ कि आफ्टर एन आवर ऑफ चांटिंग, तकरीबन मैं एक आध घंटे मैंने मन ही मन चांट करता गया मैं, तो यू वोंट बिलीव, मुझे अंदर से एक आवाज आई, एक फीलिंग आई कि देख किशन, ये हर जगह आप हाथ मारना बंद कर दो, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी मेहनत कर रहे हो, आप एंड्रॉयड में भी है मेहनत कर रहे हो। उस वक्त मैं एक और प्रोजेक्ट में फोकस कर रहा था, मुझे शुगर कैन का हाइजीनिक जूस का प्लान था कि ये चीज़ मैं बनाऊंगा और ये मैं हर जगह सप्लाई करना चाहता था, तब भी मेरा उस वक्त भी प्लान था, उसके लिए मैं उस प्रोजेक्ट में भी वर्कआउट कर रहा था काफ़ी। तो मुझे भगवान ने क्लियर इंडिकेशन दिया कि ये सब जगह पे हाथ मारने से होगा नहीं, आप एक ही जगह पे फोकस रहो। और उस वक्त मैंने ऐसा महसूस किया कि अचानक जो मेरी सैडनेस थी उसमें से मुझे एक डायरेक्शन मिला, एंड द डायरेक्शन वॉज दैट आई शुड ओनली फोकस इन द इंटरनेशनल ट्रेड कंसल्टेशन, राइट। अंदर से ऐसा आवाज आया, अंदर से मुझे एक पाथ मिला, राइट। शायद आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन दोस्तों अगर मैं स्टोरी ही बना देता, राइट, तो यहाँ पर मैं कृष्ण भगवान का नाम ले सकता था, क्योंकि अब मैं सीरीज ही कृष्ण भगवान की मेरी चल रही है, इसमें मैं हनुमान जी को बीच में क्यों लाया, राइट, मैं बता ही देता कि कृष्ण जी से। यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर सच्चा हूँ, इतना मेरे ऊपर विश्वास रखना कि मुझे ये जो मैं फील्ड में आया उसका ट्रैक जो है इज गिवन बाय द गॉड। अब देखिए, ये कोई जादू नहीं है, आप समझ लेना, ये आपके साथ भी मैं करके बताऊंगा, पूरा के साथ भी होगा, कैसे हुआ ये मैं आपको बताऊंगा। द सेम थिंग, राइट, हैपेंड टू मी फॉर माय एक्सपोर्ट बूस्टर प्रोजेक्ट, सिमिलर थिंग हैपन टू मी फॉर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गुरु वेबसाइट। लेकिन जो एक्सपोर्ट बूस्टर और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गुरु की वेबसाइट में मैं कृष्ण भगवान को तब तक फॉलो करने लगा था और उनकी हेल्प से मुझे ये आइडियाज आए। ये कैसा आया और क्यों हुआ, इसके पीछे क्या साइंस है, ये मुझे बाद में पता चला। अब आपको ये समझने के लिए एक प्रैक्टिस करनी होगी दोस्तों। अब प्रैक्टिस क्या करनी होगी ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो शॉर्ट क्लिप नंबर 6 में बताता हूं और डिटेल में समझते हैं। एक्चुअली दोस्तों, जो मेरे साथ हुआ बेसिकली, उसमें मैं जब बहुत दुखी था, राइट, तभी मैंने चैंटिंग किया। नाउ उस वक्त जो चैंटिंग का इफेक्ट क्या हुआ कि जब हम दुखी होते, क्योंकि माइंड हैज़ गॉट अ स्पेस, ठीक है, माइंड में दुख छाया था। अब क्योंकि मैंने भगवान का नाम लेना शुरू किया, राइट, तो जो माइंड में जो दुख था उसकी जगह कम होती गई और भक्ति ने वो जगह लेनी शुरू कर दी। जैसे एक ग्लास होता है, उसमें आप एक कोल्ड ड्रिंक भर देते हो, ठीक है, अब आप साफ पानी है, आप साफ पानी उस ग्लास में डालते हो, तो धीरे 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 क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक जो है वो बाहर आने लगेगा और पानी जो है, राइट, वो अंदर जाता जाएगा। तो वैसे ही मेरा जो सैडनेस जो था, राइट, वो बाहर आने लगा था, मतलब निकल लग रहा था, और जो जैसे ग्लास में साफ पानी कॉन्स्टेंटली आप टैब खोल के रख दो तो पानी का फ्लो अंदर जा रहा था, भक्ति में कर रहा था। तो धीरे 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 हुआ ये कि जो मेरा ग्लास था, राइट, वो अल्टीमेटली पानी से ही भर गया और कोल्ड ड्रिंक से एकदम बाहर आ गया, राइट। सो ये एक तरीके का साइंस है, हमारा माइंड है, राइट, वो सैडनेस से कवर्ड था, वो अचानक से फिल्ड हो गया भक्ति से। अब इनिशियल फेज में मैं स्टार्टअप्स को ये सजेस्ट करूँगा कि अपना चैंटिंग जो है, राइट, वो बाई स्पीकिंग करें, ना कि मन से, क्योंकि अभी इतना आपका लेवल डेवलप होगा नहीं। अगर आप बिगिनर हैं, आपने कभी चैंटिंग किया नहीं है, आपने कभी किसी भगवान का नाम लिया नहीं है, तो बेटर यू स्पीक, भले ही आप जो है आपका टोन लो रखो,
चाहे सब लोगों को ना सुने दे, किसी को डिस्टर्ब ज़्यादा ना हो, लेकिन एटलीस्ट आपको अपने कान तक आवाज़ जानी चाहिए, एटलीस्ट इतना वॉइस रखे, राइट? और ये कंटिन्यूअस करे, तब तक करे जब तक आपकी जो ग्लास ऑफ वाटर है वो क्लीन पानी से ना भर जाए. दैट वुड बी माय सजेशन फॉर द स्टार्टअप्स. अब हुआ क्या राइट मेरे साथ, अब जो है सडनली मैंने जब चैंटिंग स्टॉप किया, राइट, जब मैंने चैंटिंग किया स्टॉप, तो हुआ ये कि जो माइंड है, राइट, इट हैज गॉट सडनली एम्प्टी, मतलब खाली. ना तो अब उसमें कोई मुझे सुख है, ना तो दुख है, राइट? और जब दुखों की कमी होती है तब अल्टीमेटली आप सुखी होते हो, राइट? जब दुखों की कमी होती है तभी भी आपको वो सुखी लगता है, वो अच्छा ही लगता है, एटलीस्ट वो दुख से बेटर है, ठीक है? तो वो स्थिति थी. अब उस स्थिति में आप जो भी सोचते हो या करते हो उसकी पावर बहुत खतरनाक होती है. जो आप कहते हो ना पावर ऑफ कंसंट्रेशन, पावर ऑफ फोकस, वो उस स्टेज में होती है, क्योंकि ब्रेन में कुछ है ही नहीं, राइट? अब फोकस क्यों नहीं कर पाते, फोकस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि ब्रेन में कचरा है ना, जो बार बार आपको डेविएट कर देता है. लेकिन मैंने जब चैंटिंग किया वो चीज़ को मैंने हटा दिया. अब मेरे पास स्ट्रेंथ है कि मैं जहाँ पर भी फोकस करूँगा खतरनाक तरीके से होगा. और बस मेरा फोकस कहाँ चला गया, आइडियाज में, राइट? एंड वो आइडियाज पे फोकस गया एंड आई गॉट सडनली न्यू आइडिया. एंड न्यू आइडिया जैसे आया इट टर्न माई माइंड इन टू अ हैप्पी माइंड, राइट? आप बिलीव नहीं करोगे ये आपके साथ भी होगा. यूट्यूब में बहुत पुराना वीडियो है एट द एज ऑफ 19 जब मैंने मोटिवेशन की बात कही थी. वैसे एक ज़माने में मैं भी काफ़ी मोटिवेशनल गुरु को फॉलो करता था. और अगर आपने मेरा गोल कार्ड पढ़ा है तो उसमें मैं क्लियर लिखा हूँ कि थैंक यू बॉब प्रॉक्टर सर. ये बॉब प्रॉक्टर जी कौन है, राइट? हु इज़ बॉब प्रॉक्टर एक्चुअली? तो मोटिवेशन की जो सबसे बढ़िया किताब दुनिया में आज भी जो मानी जाती है वो है थिंक एंड ग्रो रिच. वाई थिंक एंड ग्रो रिच इज़ कंसिडर एज बेस्ट, क्योंकि इस किताब को लिखने में 20 साल लग गए. आज के डेट में कैसा है, मोटिवेशनल गुरु जो है रातों रात आ जाता है, कुछ टाइम में मोटिवेशन की बातें करने लगता है, जबकि 20 ईयर्स ऑफ डीप रिसर्च नेपोलियन हिल ने अपना करा और फिर ये बुक को जो है अपने पब्लिश किया. और ये आज के टाइम की भी वन ऑफ द बेस्ट सेलर है, थिंक एंड ग्रो रिच, राइट? आपने बुक के बारे में शायद पढ़ा होगा, सुना होगा. ये किताब 1937 में आई थी, राइट? और जो उस वक्त के रिचेस्ट पर्सन हुआ करते थे, वन ऑफ द रिचेस्ट आई वुड से ऑफ दैट वाज एंड्रू कार्नेगी. क्योंकि मैं ना ऐसे ही मोटिवेशनल गुरु सिलेक्ट नहीं करता, मैं जो गुरु है ना बहुत ही एनालाइज मैं करता हूँ, क्योंकि मैं जो गुरु को फॉलो करता हूँ उसमें फिर पूरा डेडिकेशन से करता हूँ. ऐसे नहीं कि बस करने के लिए कर लिया फिर छोड़ दिया है, ये मेरा नहीं. मैं हाथ पकड़ता हूँ तो फिर छोड़ता नहीं हूँ, मेरा मेंटेलिटी ऐसा है. तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया. एंड्रू कार्नेगी जिस वक्त ये किताब लिखी गई ही वॉज दी वन ऑफ दी फाइनेस्ट, जैसे कह सकते हो कि रिचेस्ट लिस्ट में उनका कैटेगरी था. और उन्होंने ये नेपोलियन हिल जो है उनको क्यों पैसे दिया, मतलब सैलरी देते थे ताकि आप रिसर्च कर पाओ कि किस तरीके से लोग सक्सेसफुल बनते थे. और उस ज़माने के सारे सक्सेसफुल लोग ऑलमोस्ट, चाहे आप फोर्ड की बात कर ले, चाहे आइंस्टाइन की बात कर ले, सभी के साथ डीप इंटरव्यू के बहुत रिसर्च किया गया और ये किताब लिखी गई. ये किताब को मैंने 100 बार से भी ज़्यादा पढ़ा है, राइट? बहुत ज़्यादा पढ़ा है. और एक आध वीडियो मैंने इन थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में मैंने मेरी किताब भी बताई थी आपको, जो ऑलमोस्ट फटी हुई है, मतलब इतना ख़राब कंडीशन हो गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा बार मैंने रीड कर लिया उसमें कि उसकी कंडीशन अब ऐसी हो चुकी है. तो जो थिंक एंड ग्रो रिच के जो ऑथर हैं, राइट, उनके अंडर ट्रेन हुए हैं
अर्ल नाइटिंगेल, राइट, और उनके अंडर ट्रेन हुए हैं बॉब प्रॉक्टर। तो अगर मोटिवेशन की जिन्होंने नींव रखी, जो मोटिवेशन के जो सारे कंसेप्ट को लेके आए, जो आज भी सारे, चाहे आप द मूवी सीक्रेट की बात करो या चाहे आप मोटिवेशनल गुरु की बात करो, दे टॉक अबाउट द थिंक एंड ग्रो रिच प्रिंसिपल्स, राइट। आज की डेट में भी सारे वही प्रिंसिपल्स को रिपीट किया जाता है बार बार। तो यही सबसे ऑथेंटिक मोटिवेशन की किताब है जिसको मैं पढ़ता था, काफ़ी उसमें से मैं इंस्पायर हुआ। और पैसों की चर्चा बहुत करती है, ये बुक को रीड करने के बाद ऑब्वियस ही बात है कि लोग अपने आप को एक तरीके से खुद का सेल्फिश अपना पैसों का गोल तो रखेंगे, राइट। और मैंने ये चीज़ भी करा, और बॉब प्रॉक्टर ने भी, राइट, यही उनकी पुरानी किताब बताते हैं, वो भी कॉन्स्टेंटली वही किताब पढ़ते रहते हैं, और उनकी भी किताब की कंडीशन बहुत ही मेरे जैसी हो गई है, मीन फिर मेरे से भी ज़्यादा, वो तो काफ़ी सालों से यही किताब को पढ़ते जा रहे हैं आज भी। अब बॉब प्रॉक्टर से मैंने ये सीखा कि आपको गोल ना बड़ा रखना चाहिए, ऐसा बड़ा कि आपको विश्वास ना हो पाए, क्योंकि जब आप छोटा गोल रखते हो ना, तो वो तो आप अपने एफर्ट्स लगा के भी कर लोगे तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। इसलिए गोल ऐसा बड़ा रखो कि आपको भी फर्स्ट साइट में ऐसा लगे यार ऐसा थोड़ी हो पाएगा, इसका गोल कार्ड बनाओ, बार बार देखो, तो आपको जो है कुछ नए आइडियाज़ मिलेंगे और आप इसमें काम कर पाओगे, और गोल कार्ड का डेडलाइन भी लिख दो। और मैंने ऐसे ही किया, मैंने, मुझे किताब लिखने का एक रुचि लगा, मैं उस वक्त में काफ़ी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में काम भी कर रहा था, तो मैंने सोचा कि लेट्स राइट अ बुक फॉर स्टार्टअप्स। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मेड वेरी इजी का मैंने गोल टारगेट रखा कि मुझे बुक लिखना है। और शुरुआत में तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं कैसे ऑथर बन पाऊँगा, कैसे मैं बुक बेस्ट सेलर कैटेगरी में मेरी बुक कैसे लिख पाऊँगा, कैसे मैं राइटिंग कर पाऊँगा, कैसे कंसंट्रेशन, क्योंकि जॉब का टाइमिंग भी मेरा काफ़ी ज़्यादा रहता था, और अहमदाबाद में ऑफिस से घर आने जाने का, वहाँ का ट्रैफिक भी टेक्स लॉट ऑफ टाइम। और फिर फर्दर गोल सेट किया, तो ये सारी डिटेल्स के बारे में मैंने ऑलरेडी, मैंने मेरी जो किताब है वो उसमें लिखा हुआ है, आप फ्री में रीड कर सकते हैं, आपको गूगल से मिल जाएगा, राइट, और अमेजोन में भी अवेलेबल है। Understood from this Bob Proctor and the Think and Grow Rich principle. So Think and Grow Rich का मतलब ये नहीं है कि आप जस्ट सोचो और पैसे ऑटोमेटिक आपके पास आने लगेंगे। दे अगर आप उसको डीपली स्टडी करोगे तो यू विल रियलाइज कि आपको आपके माइंड को, राइट, यू नीड टू स्टिम्यूलेट योर माइंड बाई थिंकिंग इन सच अ वे। आप एक माइंड को टास्क दे दो, फॉर एग्जाम्पल कि आप डिजिटल मार्केटिंग अपने बिजनेस के बारे में करना चाहते हो विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी, राइट। ये सोचो कि द प्रॉब्लम विच आई वॉज फेसिंग कि मैं मेरे माइंड को कैसे कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव बनाऊँ, बिकॉज आई वॉज फेसिंग फ्रॉम द सुख दुख साइकिल ऑफ कर्मा, ये जो कर्मा का साइकिल है, लेकिन मैं उसमें फोकस नहीं करता था। आई वॉज वेरी मच फोकस्ड एंड डेडिकेटेड टूवर्ड्स द मोटिवेशनल प्रिंसिपल। लेकिन जब मेरे ग्रैंड मदर एक्सपायर हुए एट दैट टाइम आई जस्ट थॉट, और तब मैंने भगवद्गीता स्टडी करना शुरू किया, और मैंने सोचा कि अगर, राइट, मुझे जो विश्वास चीज़ पे है नहीं, वो गोल कार्ड देख के अगर विश्वास हो जाता है कि मैं ये अचीव कर सकता हूँ, तो क्यों नहीं ये प्रिंसिपल मैं मोक्ष में अप्लाई कर सकता हूँ, राइट। क्योंकि मैंने जो स्टडी किया, राइट, और उसमें पाया कि ये सारी भूख तो बढ़ती रहेगी, और ये हमारा गोल नहीं है। मैंने पहली बार कृष्ण जी से सीखा कि वी शुड सेट द गोल फॉर अदर्स, नॉट फॉर अवर सेल्फ, राइट। इसलिए मैंने जो थिंक एंड ग्रो रिच की बुक का एक तरीके से पीडीएफ फाइल डाला, एक टेक्स्ट फाइल मैंने डाला, और उसमें जो मनी जो है वो फाइंड एंड रिप्लेस वर्ड करके मोक्ष कर दिया। तो मैं अभी भी कभी वो रीड करता हूँ तो मेरी थिंक एंड ग्रो रिच बुक इस तरीके की होती है कि जहाँ पर मनी है वहाँ पर मैंने मोक्ष डाल दिया है, और बाई दैट वे दैट बुक्स लुक मोर ब्यूटिफुल टू मी। ताकि पहले विश्वास नहीं होगा, फिर धीरे धीरे विश्वास आएगा जब आप गोल कार्ड बना के उसमें आगे बढ़ोगे। तो वही चीज़ मैंने भगवद्गीता के लिए अप्लाई किया और मुझे काफ़ी हेल्पफुल हुआ। इसको मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आपको शनि देव के बारे में पता होगा, नहीं है तो मैं बता दूँ। एक्चुअली जैसे भगवान है, राइट, वहाँ पर भी डिपार्टमेंट है, राइट, सो दैट द थिंग्स बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड। आपको पता होगा कि 33 करोड़ देवी देवता की बात बताई जाती है सनातन धर्म में। तो वैसे जो
भगवान है मेन, ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्होंने इस चीज को ऑर्गेनाइज बनाने के लिए शनि देव को एक ऑथोरिटी दी कि आप दंड दे सकते हो, राइट। इसलिए शनि जो है वो हमारे एनालाइज करता है, ही कैन एनालाइज हवर कर्मा एंड बेस्ड ऑन इट ही कैन प्रोवाइड द दंड, ठीक है। तो रावण है, उन्होंने काफी बहुत खराब खराब कर्म किए थे, तो जो शनि है राइट उनको दंड नहीं दे पाते। वाई? बिकॉज रावण वॉज वेरी पावरफुल, राइट। रावण ने इतना शनि को, मतलब अगर आप कुछ सीरियल्स में शायद आपने देखा होगा, लेकिन आप अगर एनालाइज करोगे कुछ सीरियल में जहाँ पर रावण बैठते हैं अपने सिंहासन में, राइट, उनके पैर के नीचे शनि रहते हैं, राइट। मतलब ही वॉज बीटन वेरी बैडली बाय दी रावण, राइट, और वो कुछ भी दंड नहीं दे पाए थे रावण को, और बहुत ही खराब कर्म जो है रावण कर रहा था। इनफैक्ट व्हाट रावण हैज डिड द बिग मिस्टेक, राइट, बिगेस्ट अगर क्राइम कहे तो, जैसे हर एक व्यक्तियों की कुंडली होती है, राइट, ही हैज ट्राइड टू कंट्रोल एवरी कुंडलीज, राइट, ही हैज ट्राइड टू कंट्रोल ईच एंड एवरीबडी, राइट, द प्लैनेटरी सिस्टम एंड एवरीथिंग, के जो उनको, मतलब कोई ना उनको कोई दुख ना दे पाए। सो व्हाट ही ट्राइड द मैक्सिमम, कि ये जो दुनिया दुखालियम है उसको खुद के लिए भोगने के लिए इतना सुखालियम बनाने का कोशिश किया जो शास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध था, और वो कोई भी खराब कर्म करे ही वॉज नॉट एबल टू गेट एनी दंड, राइट, बिकॉज शनि जो है वो काफ़ी, शनि देव जो थे वो रावण के अगेंस्ट में वीकर साबित हो रहे थे। एक्चुअली जो शनि देव थे वो अर्लियर फेस में जब हनुमान जी से मिले थे तब वो इसी चीज़ से ज़्यादा कन्फ्यूज थे कि भक्ति बेहतर है या कर्म बेहतर है। एक्चुअली शनि देव जो है उनको पहले यही लग रहा था कि कर्म जो कर रहा है दैट इज मोर सुपीरियर देन द भक्ति, राइट, क्योंकि कर्म ही अल्टीमेटली सबसे अच्छी चीज होती है। बट उनको काफी तरीके से हनुमान जी ने समझाया कि भाई ऐसा नहीं होता, जो भक्ति का स्टैंडर्ड है, जो भक्ति का लेवल है, वो कर्म से ज्यादा बेटर है। अब एक बार हनुमान जी जो थे वो तप कर रहे थे, मतलब चैंटिंग कर रहे थे, भगवान श्री राम का नाम ले रहे थे, वहां पर शनि जी आके उनको डिस्टर्ब करने लगे, राइट। तो इससे दोनों के बीच में अल्टीमेटली एक फाइट हो गई, और फाइट में जो है हनुमान जी ने शनि देव को हरा दिया, राइट। तो यहाँ पर हमको जो बात मेनली समझने की यह है कि द चैंटिंग जो भक्ति है उससे बड़ा लेवल कोई है नहीं, राइट। और रावण भी भक्ति करता था शिव का, राइट, लेकिन जो हमारे शास्त्र हमको ये बताते हैं कि ठीक है आपको भक्ति का एडवांटेज भी मिलता है, लेकिन जो आपने खराब कर्म किए हैं वो आपको भुगतना भी पड़ता है। लेकिन व्हेन यू वर्शिप द विष्णु, राइट, जो कृष्णा है मेनली, राम राम है या कृष्ण है, तो वो आपके बैड इफेक्ट्स को भी रिमूव करते हैं, राइट, व्हेन यू चैंट देयर नेम्स प्रॉपर्ली, सो दे आर कंसीडर्ड एज मोर सुपीरियर इन चैंटिंग। यहाँ पर जो है ऑब्वियस ही बात है कि जीने के लिए भगवद गीता में भी लिखा है कि कर्म तो हमको करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर बात आती है व्हेन यू सेट द प्रायोरिटीज, राइट। तो प्रायोरिटीज टास्क में भक्ति पहले आना चाहिए। अभी क्या हो गया है कि भक्ति हमारे टास्क में सबसे आखिर में आती है तो नहीं आती है, राइट। और अगर आप ये प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से देखोगे तो भी एकदम सही है। वाई? क्योंकि जो बिजनेसमैन बड़े लेवल पर तक पहुंचे हैं वो लोगों ने दूसरों से काम करवाने में स्किल एक्वायर की है, ना कि खुद का काम। उनका सोच ऐसा रहता है कि ये काम मैं कैसे करवाऊं, राइट, नॉट करूं बट ये कैसे करवाऊं, राइट। उनका काम जो होता है दे कीप देयर माइंड ओपन फॉर थिंकिंग, क्योंकि जब थिंकिंग के लिए माइंड ओपन करेंगे तब न्यू आइडियाज आएंगे, और आइडियाज से ही सारी अचीवमेंट होती है, ये आप जानते हैं। इतना समझ लीजिए कि जैसे आप ब्रीदिंग करते हैं, राइट, तो इन ब्रीदिंग यू नेवर ब्रीद इन सच ए वे जैसे कि आप थिंक करना पड़े कि मैं अभी सांस अंदर ले रहा हूँ, अभी मैं सांस को छोड़ रहा हूँ, ये कभी आप नहीं सोचते, राइट। आप जो है इनहेल और एक्सहेल ऑटोमेटिकली आपका हो जाता है, बिना मतलब आपका कॉन्शियस एफर्ट आपको लगाना नहीं पड़ता। वाई? बिकॉज ये एक प्रकार की प्रैक्टिस जो है आपको जन्म से ही है, राइट, तो इसमें आपको इतना प्रॉब्लम नहीं है। सेम इज़ विद दैट अजापा जापा, कि आप जब इनहेलेशन करते हैं, राइट, तब आप एक पर्टिकुलर भगवान का नाम बोलते हैं, और जब एक्सहेल करते हैं तभी भी आप भगवान का नाम बोलते हैं। तो अजपज आपके इनिशियल फेस पे, राइट, ऐसे बताया जाता है कि आप सोहम से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे इनहेलेशन में सो
और एक्सहेलेशन में हम। लेकिन मैंने जो इनिशियल फेस में जब जाप कुछ साल पहले शुरू किया था, तो मेरा इनिशियल वर्ड था ओम नमः शिवाय, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा बेटर लग रहा था, तो आई हैव ट्राइड विद दैट। सो जब सांस अंदर लेता तब मैं करता ओम, और जब सांस में छोड़ता राइट तब आता मेरा नमः शिवाय राइट। तो ये मेरा चैंटिंग रहता था। फिर मैंने राइट मेरा जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ा, जो मैंने काफ़ी स्टडी किया, तो मुझे हरे कृष्णा महामंत्र मिला, और हरे कृष्णा महामंत्र वॉज वेरी बिग राइट, इट वॉज वेरी बिग। एंड जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एंड टू इंड्यूस दैट इन टू द अजापा जापा वॉज अ बिग चैलेंज। सो मैंने क्या किया, मैंने पूरा करने का कोशिश किया। सो फिर मैंने देखा कि हमारी जो सांस की एक्टिविटी है उसमें केवल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन नहीं है। उस जैसे हम सांस लेते हैं, फिर देयर इज सम पॉज राइट, और फिर एक्सहेल होता है। तो मैंने क्या ट्राई किया, जैसे इनहेलेशन में हरे कृष्ण फिर कृष्ण कृष्ण हरे हरे राइट एट दैट पॉज, एंड फिर हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। एक्चुअली ना मेरा एक्सहेलेशन जो है बाय डिफॉल्ट, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा थोड़ा ज़्यादा है इनहेलेशन की कंपैरिजन में इन टर्म्स ऑफ सेकंड। ये आप अपने तरीके से एक चूज कर सकते हो, सेट कर सकते हो राइट, कि विच इज़ मोर सूटेड राइट फॉर यू, आप उस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो जब मैंने देखा, तो जब मैं हरे कृष्ण का जो बड़ा महामंत्र करता था, तो मैंने देखा कि कहीं ना कहीं हमें इसमें मिस्टेक कर रहे हैं। सो जो इनहेलेशन मेरा था हरे कृष्ण, तो उसमें कभी कभी कृष्ण कृष्ण हरे हरे छूट जाता। तो हाउ आई मेड अ प्रैक्टिस, कि मैंने एक नोट बनाया, उसमें मैं इनिशियल लेटर ही लिखता। जैसे अगर मैं बोलता हूँ हरे कृष्ण, तो आई जस्ट यूज टू राइट एच के हरे कृष्ण एच के, इस तरीके से राइट। तो क्योंकि पूरा नाम तो हम इतना स्पीड से नहीं लिख सकते राइट। देन आई यूज टू राइट कृष्ण कृष्ण हरे हरे, फिर हरे राम 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 हरे हरे। सो इस तरीके से जो इनिशियल्स है फर्स्ट वो मैं लिखता, सो दैट मेरा ग्रिप जो है छूट ना जाए। मैं आपको इतना कहूँगा कि इनिशियल फेस में इट वुड बी लुकिंग वेरी डिफिकल्ट राइट, ये एक इतना आसान नहीं है। आपको शुरू शुरू में ऐसा लगेगा कि चलो अभी तो मेरा हो रहा है, बट यू नीड टू अप्लाई लॉट ऑफ योर कॉन्शियस ब्रेन राइट टू डू दैट। और फिर धीरे 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 ये एक रूटीन हो जाएगा। जैसे आप पहले गाड़ी सीखते हो राइट, व्हेन यू लर्न द ड्राइविंग, तो आपको बहुत अटेंशन देना पड़ता है, फिर आपकी गाड़ी आपका स्कूटर आप जो है कम एफर्ट से भी चला सकते हो, उस वक्त आप दूसरा भी थिंकिंग कर सकते हो, फिर आपको इतना प्रेशर नहीं लगता। सेम इज़ विद दैट, कि आप इसका प्रैक्टिस करो राइट, इसका बेनिफिट जो है आपको डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि आप देखिए इतना आपने वीडियो सीरीज देखा राइट, तो अभी आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि भक्ति इज ओनली इम्पॉर्टेंट, बाकी की चीज़ जो है वो एक तरीके के हो जाती है इम्पॉर्टेंट। तो जब आप भक्ति करोगे राइट, तो आपको सारे बेनिफिट्स मिलने ही है, जैसे कि जब आप भक्ति करोगे, जब आप अजपा जाप करोगे, तो द बिगेस्ट चैलेंज राइट वो ये होगा कि आप भूल जाओगे। आप शायद कुछ मिनट या कुछ घंटे आप कर दोगे, फिर आपको आइडिया नहीं आएगा कि कब ये छूट गया। सो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि यू यूज़ द काउंटर राइट। जैसे एक आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो जाता है राइट, तो आप काउंटर जो है वो आप क्लिक काउंटर यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको इससे सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको याद रहेगा कि आपको चांट करना है, यू नीड टू चांट कॉन्स्टेंटली राइट। तो आप बेहतर तरीके से इसमें ग्रो कर पाओगे। और फाइनली मैं बस आपको इतना कहूँगा कि अगर आप एक एक पत्ते को पानी देने जाओगे, तो इससे बेहतर यह है कि आप रूट्स को ही, ट्री के रूट्स को ही पानी दे दो। तो जब आप जड़ को पानी दे देते हो राइट, तो आप सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हो राइट। तो यही चीज़ जो है वो हमको भक्ति सिखाती है राइट, बिकॉज भक्ति इंक्लूड्स राइट ईच एंड एवरीथिंग। इट्स जस्ट लाइक एंड पोरिंग अ वाटर टू द रूट्स एंड एंटायर ट्री राइट,
जो पूरा समाज है, पूरे ब्रह्मांड है, एंड दे आर गोइंग टू रीप द बेनिफिट्स फॉर इट अलोंग विथ यू. हमारा जो धर्म है वो एक्चुअली सनातन धर्म है, राइट. अगर आप वेदा को स्टडी करोगे तो वेदा में यू विल नॉट फाइंड द हिंदुइज्म और हिंदू वर्ड, राइट. मुझे तो नहीं मिला. अब सनातन धर्म क्या है, हमारा धर्म सनातन धर्म क्या है, दैट मीन्स वसुदेव कुटुंब. यानी कि हम हर रिलीजन के लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो ये वैदिक कॉन्सेप्ट्स में बिलीव रखे या उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी रिलीजन है, उसमें भी हम एक विश्वास और एक उनको सपोर्ट दे, मतलब एक शांति बनाए रखने की होती है. और मैं आजकल के सोशल नेटवर्क में देख रहा हूँ कुछ यूथ्स को कि कोई कट्टरता फैलाता है, राइट. लेकिन जो हमारा रिलीजन है, राइट, उसमें कभी भी ऐसा नहीं कहा गया है. वी सपोर्ट ईच एंड एवरीबडी, राइट. और वसुदेव कुटुंब का मतलब ही ये है, राइट, कि हम पूरी दुनिया एक कुटुंब है और हर रिलीजन को एक रिस्पेक्ट से एंगल से देखा जाता है और देखा ही जाना चाहिए, राइट. क्योंकि काफ़ी देखिए, जब मैं छोटा था, मेरा एक फ्रेंड था, आई रिमेम्बर इस नेम, बिनोय थॉमस, राइट. वो क्रिश्चियन, तो वो बाइबल रीड करता था. वी यूज्ड टू डिस्कस अबाउट द बाइबल. उन्होंने मुझे बाइबल की कुछ पीडीएफ्स भी वगैरह भेजी थी. मुझे पता नहीं था कि उनमें भी ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट आते हैं, राइट. सो आई गॉट टू नो फ्रॉम हिम. एक मेरे क्लाइंट है फैज़ान भाई, राइट. ही वो अपने इस्लाम के बारे में काफ़ी चीज़ मुझे बताते हैं. एंड यू वोंट बिलीव द फैज़ान भाई को संस्कृत भी आती है, राइट. एंड वो भी, राइट, गीता वगैरह चीज़ों को पढ़ते हैं. तो द थिंग इज़ दैट सबको मिल बांट के रहना चाहिए, राइट. हम सनातन धर्म है और सभी रिलीजन यही मानते हैं, राइट. सो दैट्स वॉट एक्चुअली वसुदेव कुटुंब इज ऑल अबाउट. कि आजकल के यंगस्टर्स बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरी पैसे वेस्ट कर देते हैं, जो पैसे वाकई में उनको यूज़फुल हो सकते हैं उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स लाने के लिए, राइट. लेकिन अननेसेसरी वेस्ट हो जाते हैं और फिर उनको दिक्कत आती है फाइनेंशियली आगे फ्यूचर में. तो बस दोस्तों, हमारे शास्त्रों में क्लियर बताया है, राइट. वही हमको फॉलो करना है. एकदम बेसिक सिद्धांत है कि हम एक आत्मा है, हम शरीर नहीं है, राइट. अगर हमारे शास्त्र ये बताते हैं बॉडी को फिट रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए, हेल्दी रखना चाहिए, भाई, ताकि आत्मा जो है वो अपने भगवान के साथ जो कम्युनिकेट करे तो उसको एक मदद मिल पाए. तो हमारा शरीर जो है वो हमारे भक्ति में मेनली यूजफुल होना चाहिए. लेकिन अब प्रैक्टिकली भी दोस्तों देखो, तो आप अगर सिर्फ इतना मान लो कि आप एक आत्मा है, आप एक शरीर नहीं है, तो बहुत सारे आपके खर्चे यूं ही कम हो जाएंगे. जैसे मुझे पहले, जब मैं बहुत छोटा था, तब मुझे शौक था कि चश्मों का, राइट, कि गोगल्स जिसको कहते हैं, राइट, कि ऐसे मैं अलग अलग परचेस करता था जब बहुत छोटा था. फिर मैंने सोचा, राइट, जब मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, मुझे कपड़े भी काफ़ी बार, राइट, बताया जाता था कि चलो लेने चलते, तो उसमें भी एक एक्साइटमेंट आता था कि चलो कपड़े जो है नए लेने हैं वगैरह. फिर जब मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई तो मैं सोच रहा था कि ये कपड़े मैं ले रहा हूँ नए नए, तो ये किसके लिए है? ये अल्टीमेटली शरीर के लिए है, इससे आत्मा का तो कोई एडवांटेज है नहीं, राइट. तो ये कपड़े जो है नए नए लेना, महंगे महंगे लेना, मैंने एकदम से हटा दिया. अगर आप देखोगे तो आई लिव अ वेरी सिंपल लाइफ. तो आपको ये सिर्फ कपड़े में और ये शौक में ही बात नहीं है. अगर आप ये इसको डीपली एनालाइज करोगे तो आपको कोई, मान लेते हो कि कोई बुरा बोल देता है, मे बी आपका फैमिली मेम्बर्स आपको कोई बुरा बोल देता है, आपके फ्रेंड ग्रुप रिलेटिव या आपको कोई और अन्य कुछ बुरा बोल देता है, तो अल्टीमेटली वो आपको नहीं लगता, राइट. वो आपके शरीर को लग रहा है, आपके शरीर को कह रहे हैं, लेकिन आपकी आत्मा तो एकदम अलग है, राइट. आपको एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, राइट. आपकी आत्मा जो है
उसको कोई लेना देना नहीं है कि आपके शरीर को क्या कहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके कपड़े को कोई बोल दे राइट कुछ भी, तो दैट डजेंट मीन कि आप खराब हो गए राइट। आपकी आत्मा जो है वो शुद्ध है, और आत्मा है वो अमर है, वो मर भी नहीं सकती। अब राइट जो आप भौतिक चीजें हैं, जैसे आप अपने खुश करने, अपने शरीर को खुश करने के लिए आप एसी लेते हो राइट। अब अपने शरीर को खुश करने के लिए बहुत सारी चीजें करते हो, यू ट्राई टू फाइंड आउट न्यू थिंग्स जिससे आपका माइंड जो है वो खुश हो पाए, लेकिन उसकी टेम्पररी खुशी देने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। कभी कभी टेम्पररी खुशी जल्दी मिल जाती है तो चली जाती है, कभी कभी टेम्पररी खुशी भी नहीं मिलती, माइंड खोजता रहता है कि क्या करूं जिससे मुझे आपके माइंड को हैप्पीनेस मिले। लेकिन अपनी जो आत्मा है सोल, उनको हैप्पी करना दोस्तों बहुत आसान है। सोल इतना डिमांड नहीं करती। सोल जो है, जब आप भक्ति करते हो, आपकी भक्ति चैंटिंग शुरू होती है, आपकी सोल तुरंत ही हैप्पी होना शुरू हो जाती है राइट। लेकिन माइंड खुश नहीं होता। वाई? क्योंकि माइंड जो है वो भौतिक है राइट, वो मटेरियलिस्टिक चीजों का डिमांड करता है, जबकि आपकी आत्मा है वो आध्यात्मिक है राइट, वो कनेक्टेड टू गॉड है। तो मन आपका फ्रेंड होना चाहिए जो आपकी आत्मा के लिए, आपकी आत्मा की खुशी के लिए काम करे, वरना वो मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, शत्रु है। तो आपका मन जो है आपको क्या क्या चीजें करवाता है ये आपको पता है राइट। लेकिन आपकी आत्मा जो है वो कुछ डिमांड नहीं करती, कुछ भी डिमांड नहीं करती, वो केवल भक्ति डिमांड करती है। तो लॉकडाउन के फेस में ई कॉमर्स जब शुरू हुआ, तो ई कॉमर्स कंपनियां में आपको बताया जाता था कि केवल एसेंशियल्स कॉमोडिटी का हम डिलीवरी करेंगे, केवल एसेंशियल कॉमोडिटीज आपको मिल पाएगी राइट मार्केट से। तो आप सोचिए कि आप एसेंशियल कॉमोडिटीज से जी रहे थे ना, आपको अब आप समझिए, खुद ही आप समझिए कि आपको नॉन एसेंशियल्स की कोई जरूरत है राइट। आप सोचिए, तो एसेंशियल चीजों से आपका गुजारा हो सकता है, देन व्हाई यू वांट द नॉन एसेंशियल थिंग्स राइट। और ये आपने अनुभव भी खुद कर लिया लॉकडाउन के फेस में राइट। तो दैट इज द थिंग कि आप सिर्फ इतना समझ जाओ कि आप एक आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो। शरीर बदलते रहते हैं, आत्मा अमर है राइट। आप इतना समझ गए जाओगे तो भी ऑटोमेटिकली आप बहुत सिंपल लाइफ की तरफ आगे बढ़ पाओगे, और एकदम हाई थिंकिंग होगी जो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगी आपके हर लाइफ के मोड में। मतलब क्या है जोड़ना, टू कनेक्ट, टू कनेक्ट अवर आत्मा विद गॉड राइट। हमारी आत्मा जो है वो भगवान से कनेक्ट हो जाए राइट। इस पूरी सिस्टम को योग कहते हैं, ये अल्टीमेटली योग का पर्पस है, या फिर आप कह सकते हो दैट इज द परफेक्शन इन योगा। लेकिन अगर चीज हम प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से देखें राइट, कि आप ये चीज छोड़ दो, प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से देखो, तो आप अपने माइंड को कंसंट्रेशन कराने के लिए राइट किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आप रख दो, और आप देख लो कि आपका माइंड कितनी देर तक वो चीज के ऊपर कंसंट्रेट करता है, या फिर आप आंख बंद करके वो ऑब्जेक्ट को आप जो है विजुलाइज करो। आपका माइंड कुछ ही मिनटों में, या कहूंगा कुछ ही सेकंड में भड़क जाएगा, और दूसरी चीजों के बारे में थिंकिंग करना शुरू कर देगा। अगर आप दी सीक्रेट बुक की भी बात माने, जो मोटिवेशनल किताब है, उसमें भी कहा है कि 60,000 थॉट्स, तकरीबन 60,000 थॉट्स, अलग अलग विचार इन अ डे एक ह्यूमन को आते हैं राइट। तो जब भी आप देखिए कि किसी चीज में आगे बढ़ना चाहते हैं, देन यू मस्ट बी हैविंग द पावर टू कॉन्सेंट्रेट राइट। और पावर टू कॉन्सेंट्रेट, आप कॉन्सेंट्रेशन आपका कब आ सकता है, जब आप वो चीज को प्रैक्टिस करें। तो जैसे भगवद गीता में कृष्ण जी ने उनका फेवरेट योगा बताया है
फेवरेट योग बताया है कि वो वही है कि आप कॉन्स्टेंटली कृष्ण भगवान को स्मरण करें, उनको विजुलाइज करें, राइट, आपका माइंड जो है वो कृष्ण जी के ऊपर अट्रैक्टेड होना चाहिए, राइट, दैट इज अल्टीमेटली परफेक्शन इन योगा, कि आपका माइंड इधर उधर भटके नहीं और कृष्ण भगवान को याद करता रहे, स्मरण करता रहे, ये चीज ही अल्टीमेटली योग है। और जो भी योग सिखाए गए हैं, राइट, वो एट द एंड ऑफ द डे ये परफेक्शन की स्थिति में लाने के लिए है कि आपका माइंड का कंसंट्रेशन लेवल इतना स्ट्रांग हो जाए कि आप जो चीज आपके माइंड में रख रहे हो वही रहे और आपके माइंड का रिमोट कंट्रोल आपके पास रहे। देखिए, हम मूर्ति पूजा कभी नहीं करते, राइट, वी नेवर वर्शिप द आइडियल्स, वी वर्शिप द डेटी। अब डेटी और आइडल में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। डेटी का मतलब ये है कि जो आप मूर्तियाँ कहते हो, राइट, उसमें हम एक फीलिंग, हम हमारा भाव होता है कि ये ईश्वर है, ये भगवान है, राइट, हम उनको एक हम उसको कभी मूर्ति नहीं कंसीडर करते, राइट। सो ये कहना कि वी वर्शिप द आइडियल्स, इट इज़ रॉन्ग, राइट, वी वर्शिप द डेटीज, राइट। तो मूर्ति पूजा हम नहीं करते क्योंकि मूर्ति तो बहुत सारी होती है, हर मूर्ति को हम पूजा थोड़ी करेंगे। अगर आप बोलोगे कि मैं मूर्ति पूजा में विश्वास रखता हूँ या रखती हूँ, दैट मीन्स यू वर्शिप ईच एंड एवरी मूर्तीज। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वी वर्शिप द डेटी। वेज और नॉन वेज फूड में डिफरेंस क्या है? अगर सामान्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आप जस्ट देखिए दोस्तों कि नॉनवेज अगर आप खाते हो तो उसमें हत्या होती है, और वेज फूड में भी हत्या होती है क्योंकि प्लांट्स में भी जीव होता है। सो व्हेन द प्लांट्स आर कट, तो वो भी एक प्रकार का हत्या ही है, डेथ ही है। तो वैसे कोई डिफरेंस नहीं है वेज फूड और नॉन वेज फूड में, जो भी खा रहे हैं वो भी एक प्रकार से पाप ही कर रहे हैं। अब ये वेज फूड प्योर कैसे होता है? ये जो भोग है जो भगवान को हम अर्पण करते हैं, हम ऑफर करते हैं भगवान को, तो भगवान जो है उसमें से पाप को हर लेते हैं, राइट। तो पाप को वो हर लेते हैं और फिर जब आप वो फूड खाते हो एज अ प्रसाद, तो वो पाप मुक्त होता है। तो बेसिकली आपको उनका सिनफुल रिएक्शन नहीं लगता। नॉर्मली हम शास्त्रों में वेज फूड नॉन वेज फूड की तरह इतना नहीं देखते, बेसिकली हम ये देखते कि भगवान को क्या पसंद है क्या नहीं है। तो खास करके कृष्ण जी को मीट, मटन और भी अन्य प्रकार के जो नॉनवेज हैं वो पसंद नहीं है। उसके साथ कृष्ण जी को ऑनियन, गार्लिक और मसूर की दाल भी पसंद नहीं है। तो कृष्ण जी को जो पसंद है वो हम खिलाते हैं, ठीक है। तो उनको वेज फूड पसंद है, इसलिए हम वेज फूड उनको ऑफर करते हैं और वो फूड प्रसाद के रूप में, और वो फूड बन जाता है प्रसाद, और फिर जो है हम प्रसाद को पाते हैं, राइट। मैंने ये चीज करने के लिए किया टेस्ट, लेकिन इससे बेनिफिट ये हुआ कि आपकी भूख के ऊपर कंट्रोल आएगा, क्योंकि क्या है, आप जब पानी भी पीते हो तो आप भगवान को ऑफर करके पीते हो, फूड भी जो है भगवान को ऑफर करके पीते हो, तो इट टेक्स सम टाइम, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके घर में समोसे बने हैं, अब आपने भगवान को ऑफर किया तो तुरंत आप नहीं खा रहे हो, वरना आप क्या होता है कि जैसे समोसा ऑफर किया आपने जानवर की तरह खाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर आपने भगवान को ऑफर किया, भगवान को आपने कुछ समय दिया, आपने 5 मिनट 10 मिनट उनके समक्ष फूड रखा, तो ऑटोमेटिकली क्या है कि आपकी संसेक डेवलप होगी, और पेशेंस के, और जब पेशेंस डेवलप होगा तो आपकी फूड की जो इंटेक और आपका जो फूड का इंटेक है और वो भी अल्टीमेटली कम होगा, जो जरूरी फूड है वो आप ज्यादा खाएंगे। ये देखिए दोस्तों, मैं मेरे खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि मैं भगवान को ऑफर करके खा रहा हूँ तो मैं कम फूड खा रहा हूँ, कंपैरेटिवली पहले से कंपैरेटिवली कम खा रहा हूँ, फिर भी मेरा पेट जो है वो तुरंत जाता है, ठीक है। तो ये एक मुझे बेनिफिट मिला कि मैं पहले से कंपैरेटिवली कम भी खा रहा हूँ फिर भी मेरा टमी फुल हो जा रहा है। तो ये बेनिफिट है, आप भी ट्राई करके देखिएगा। आप एटलीस्ट कुछ डे ट्राई करिए कि आप कृष्ण जी को फूड ऑफर करके फिर आप खाइए, और फिर आप देखिए आपको ऑटोमेटिकली बदलाव आते दिखेंगे। ऐसा मानना है कि जिसका नॉलेज आधा अधूरा है वो कन्फ्यूज्ड होते हैं, राइट, जिसका नॉलेज पूरा है, कंप्लीट है, वो लोग कन्फ्यूज्ड नहीं होते हैं, राइट। तो पहली बात तो ये है कि हमारा नॉलेज जो है वो कंप्लीट होना चाहिए ताकि माइंड में जो कंफ्यूजन रहता है वो ना रहे। अब ये जो भौतिक मोटिवेशनल गुरु है जो भौतिक चीज़ों को अट्रैक्ट करना का सिखाते हैं,
दोस्तों ऐसे हमारे गुरु शास्त्र में भी है शुक्राचार्य, राइट। अब शुक्राचार्य जी के बारे में सर्च करना, राइट, मेरे ख्याल से इनसे बड़ा मोटिवेशनल गुरु कोई हो नहीं सकता, राइट, भौतिक चीज़ों के लिए। देखिए हमारे शास्त्र बहुत दयालु है, राइट, अगर आपको भौतिक चीज़ों का आसक्ति है तो आप उसका भी नॉलेज मिल जाएगा, आपको आध्यात्मिक में जाना है तो वो भी मिल जाएगा, हर तरीके की चॉइसेस और ऑप्शन अवेलेबल है, राइट, हमारे शास्त्रों में। और ये भी बताया गया है कि बेस्ट कौन सा है, ये भी बताया गया है। अब ये शुक्राचार्य जी कौन है, तो क्या असुर है, असुर, राइट, उनको असुर माना जाता है क्योंकि उन्होंने हर तरीके की ट्रेनिंग दी लेकिन लोगों को भक्ति से, कृष्ण भक्ति से दूर करने का कोशिश किया। भक्त प्रहलाद के पास गए जो कांस्टेंट भगवान का नाम चैंटिंग करते थे, उनके पास जाके क्या कहे, शुक्रा जी ने क्या ट्रेनिंग दिया, राइट, बताया कि भाई राजा बन, राइट, ये सब चीज़ों को भोग, मैनेज कर, ये कर, कितनी सारी फिलॉसफी दी। अब देखिए पढ़िए शुक्राचार्य जी को, पता चल जाएगा आपकी सारी मोटिवेशनल फिलॉसफी जो आपको चाहिए भौतिक चीज़ों के लिए, सब चीज़ आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। सब कुछ ट्रेनिंग दी है उन्होंने, बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग दी है उन्होंने, राइट, शुक्राचार्य जी ने। एक क्लाइंट ने मुझे प्रश्न पूछा था कि सर एक्चुअली बहुत सारे भगवान हैं तो मैं कन्फ्यूज हो गया कि मैं कौन से भगवान को पूजूं। मैंने कहा कि आपने किसी भगवान को पहले अपना फेवरेट गॉड बनाया है? उन्होंने कहा कि नहीं सर, मैं बहुत ही कन्फ्यूज हूँ, मुझे अब लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दो कि कौन से भगवान को, राइट, सबसे बेस्ट है और क्यों है। और सबसे पहले तो उन्होंने ये मुझे बताया कि अगर विष्णु पुराण पढ़े तो विष्णु की पूजा करो, ऐसा बताया गया है, राइट, अगर हम शिव पुराण पढ़े तो शिव को पूजना चाहिए, शिव ही बेस्ट है, ऐसा बताया गया है। अगर आप शास्त्र में पढ़ते हो तो इंद्र की भी महिमा ही है, उनके लिए भी प्रेयर्स है, राइट, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें से हम क्या करें, वी आर वेरी कन्फ्यूज्ड, राइट, इन द सिलेक्शन ऑफ गॉड। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जब 10वीं क्लास में अगर आपने साइंस में पढ़ा हो तो 10वीं क्लास में आपने क्या पढ़ा था, 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट जो है वो सीधी ट्रैवल करती है, ठीक है। फिर जब हम ग्रेजुएशन लेवल पे गए तो हमने क्या पढ़ा कि लाइट जो है वो सीधी नहीं चलती, लाइट जो है वो तरंगों में चलती है, लाइट जो है वो तरंगों में चलती है, ये ग्रेजुएशन में हमने पढ़ा। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि लाइट ना तो सीधे चलती है ना तो तरंगों में चलती है, लाइट एक पार्टिकल है, एक एटम है, एक अणु है, ठीक है। और जब पीएचडी लेवल पे कोई, राइट, पीएचडी में लाइट के बारे में स्टडी करता है तो पीएचडी में स्टडी आती है कि लाइट ना तो सीधे चलती है, लाइट ना तो तरंगों में चलती है, लाइट ना तो पार्टिकल है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है, ये वेविकल है, राइट, वेविकल यानी कि वो तरंगों में भी चलती है और वो पार्टिकल भी है, राइट। तो अगर आप कहते हो कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन 10वीं क्लास वालों बच्चों के लिए सही है, लेकिन यही फंडा आपने पीएचडी में लगाया, फेल हो जाएंगे एग्जाम में, राइट। तो बात ये है, तीन प्रकार के मेजर गुण हैं, राइट, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन तीन गुण हमारे लोगों में, हम में होते हैं, राइट, इनकी कॉम्बिनेशन हमारे शरीर में होती है, राइट। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे रात को नींद आती है, राइट, दैट मींस के उस वक्त तमोगुण का प्रभाव हो गया तो हम सो गए। जैसे एनर्जी फील होती है, राइट, चलो कुछ काम करें, दैट मींस के उस वक्त रजोगुण जो है, जो हम कहते हैं ना पैशन, वो गुण बढ़ गया बॉडी में, इसलिए वी यू गेट एन एनर्जी फॉर इट। और सत्वगुण मीन्स द गुडनेस, राइट, कि ऐसा ना हो कि आप जो है वो खराब कोई काम करने लगे, आप में एकदम अच्छाई होगी तो चीज़ें आपके लिए एक ऑटोमेटिकली स्ट्रीम लाइन में अच्छी तरीके से होती रहेगी। तो सबसे बड़ा जो है वो गुडनेस माना जाता है, राइट, जो सतोगुण है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि सतोगुण जो है वो किसी में हो तो उनमें वो जो दो गुण है, राइट, लेजीनेस और पैशन, वो उसमें अवॉइड हो जाए, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ मात्रा ऊपर नीचे अलग अलग हर एक व्यक्ति के अनुसार होती है। जिस व्यक्ति में बहुत सारा लेजीनेस है वो तमोगुण का व्यक्ति माना जाता है, बहुत पैशनेट है वो रजोगुण का व्यक्ति माना जाता है, बहुत ही अच्छा है, राइट, कूल काम पर्सन है, राइट, वो एकदम टॉप लीडरशिप में आप देख सकते हो काफ़ी लोगों को, वो सतोगुण वाला व्यक्ति माना जाता है। तो तीन गुण में से सबसे अच्छा गुण है सतोगुण, ठीक है, वो सबसे अच्छा और प्रभावशाली होना चाहिए, ये आदमी की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा है।
एक चौथा गुण भी है हमारे शास्त्रों के अनुसार, वो है वसुदेव तत्व। राइट, आप समझिए, वासुदेव तत्व नहीं, ये है वसुदेव तत्व। ये तत्व ऐसा है जो जिसको बोलते हैं शुद्ध सतोगुण। ये शुद्ध सतोगुण क्या है कि एक ऐसा गुण जो कंप्लीट गुडनेस हो, मतलब जिसमें अगर वो शुद्ध सतोगुण आप में आ गया ना, तो आप ना तो कभी थकोगे, ना तो कभी नींद आएगा, ना तो कभी किसी की आपको जरूरत पड़ेगी, आप में कॉन्स्टेंट एनर्जी फ्लो होती रहेगी, और जैसा माइंडसेट आप चाहते हो वैसा होगा, हर तरीके का, यू विल बी ऑलवेज बी हैप्पी, जिसको बोलते हैं परमानेंट हैप्पीनेस, वो इस दुखालियम दुनिया में नहीं अवेलेबल है, वो केवल कृष्ण धाम पे अवेलेबल है, जिसको हम मोक्ष कहते हैं या वैंकुट कहते हैं, राइट, वहाँ पर अवेलेबल है। तो शुद्ध सतोगुण अगर आपको चाहिए, राइट, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होनी पड़ेगी, जन्म मृत्यु के चक्कर में से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, राइट। ये होता है चौथा गुण जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये दुखालियम माना गया है, राइट, दुखों का घर ये दुनिया को बताया गया है शास्त्रों के अनुसार, ठीक है। तो यहां से हमको निकल के मोक्ष की प्राप्ति करनी है। अब राइट, अब दसवीं क्लास वाला बच्चा जो कहेगा कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो वो सही है, लेकिन अगर वो बच्चा ऐसा कहेगा कि यही सही है, देन इट इज गलत, राइट, तो ये गलत है, क्योंकि पीएचडी लेवल पे वो पहुंचा ही नहीं है, राइट। तो ये चीज है। जो तमस गुण वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए शिव जी का और दुर्गा जी स्क्रिप्चर प्रिस्क्राइब किया जाता है, राइट। अन्य देवी देवता रजोगुण को प्रमोट करते हैं, रजोगुण वाले लोग उनके पास जाते हैं, और शुद्ध जो सत्वगुण है, राइट, सत्वगुण, वो कृष्णा जी की उपासना से आता है, और कृष्णा जी इनके लीडर है सत्वगुण के, जो सबसे बेस्ट हमारे शास्त्र में बताया गया है। वन हैज़ टू अपग्रेड देयर स्टडीज, राइट। आप ही देखिए शास्त्र में कि जब शिव जी के पास गए और शिव जी ने कहा कि आप मुझसे मांगिए, तो उन्होंने मांगा, उनके भक्त ने मांगा कि मुझे मुक्ति दिला दीजिए। तो क्या कहा शिव जी ने? शिव जी ने कहा कि भाई मुक्ति तो आपको केवल विष्णु भगवान ही दिलवा सकते हैं, राइट। अब मैं ये नहीं कह रहा कि शिव जी आपको, अगर आप उनकी उपासना कर रहे हैं, आप उनकी पूजा कर रहे हैं, तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, आपको मोक्ष मिल सकता है, लेकिन कृष्णा जी के ब्लेसिंग्स के साथ, आप कृष्णा जी को भूल नहीं सकते, राइट। तो अगर आप जो भी देवी देवता है अपने भगवान को आप पूजते हो, तो साथ में मेनली आप कृष्ण भगवान को भूल नहीं सकते, क्योंकि उसका प्रेम ज़रूरी है, राइट, उनके धाम तक पहुँचने के लिए। तो हमारे शास्त्र ने क्लैरिटी से पूरा बता दिया है कि आपको कहाँ तक पहुँचना है और आप कैसे पहुँच सकते हो, और इस कलयुग में आपके पास मौका है कि आप डायरेक्ट भी पीएचडी कर सकते हो, राइट। ये उपनिषद्स बताते हैं कि इस कलयुग में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये उच्चारण आप करिए, इसके अलावा और कोई तरीका है नहीं, और कोई ऑप्शन है नहीं इस चीज़, इस कलयुग की नेगेटिव इफेक्ट से बचने का। और फाइनली आप खुद एनालिसिस कर लीजिए, जो बड़े से बड़े दानव है, दुष्ट लोग हैं, उसको किसने ख़त्म किया, वध किया? आपको आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। रावण का नाश किसने किया? राम भगवान ने, जो विष्णु अवतार है, विष्णु। फिर कंस को किसने मारा? विष्णु, कृष्ण जी ने। फिर बड़ा आप कोई भी याद कर लीजिए, हिरण्यकशिपु, राइट, किसने मारा उसको? विष्णु। फिर जो भी आपके मन में आ रहा है, भस्मासुर, राइट, किसने खत्म किया उसको? विष्णु। जो भी मेजर, जो सबसे बड़े दानव दुष्ट बताए गए हैं, विष्णु ने ही खत्म किया, राइट। सो वो सबके लीडर है, बाकी के जो देवी देवता है वो उनके मैनेजर्स माने जाते हैं, और जो ये बातें केवल पुराने स्क्रिप्चर्स में ऐसा नहीं है, आप देख लीजिए, आपके पास होगा भगवद गीता, पढ़ लीजिए, राइट। कृष्ण भगवान ने कहा क्या कहा है कि अगर मोक्ष आपको चाहिए, मेरी शरण में आप आओ तो मोक्ष मिलेगा। जन्म मृत्यु के चक्कर से, राइट, अगर आपको निकलना है, तो भगवान ने क्लियर कहा है, राइट, मेरे मत से नहीं, भगवान ने क्लियर कहा है कि ये मोक्ष जो है वो मैं ही दिला सकता हूँ, मेरी शरण में आप आओ, राइट, मेरा पूंजन करो, मुझे याद करो,
जन्म मृत्यु के चक्कर से निकालूंगा। अन्य देवी देवता ने सब कुछ दिया है या मिल सकता है, लेकिन चीज यह है जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने के लिए राइट आपको कृष्ण भक्ति की तरफ आना होगा, और यही सबसे बेस्ट चीज है जो आपको शास्त्र से निकाल के भगवद गीता के फॉर्म में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया था। यही चीज भगवतम में बेटर तरीके से डिटेल से में डिस्क्राइब की गई है राइट। तो आप भगवतम भी स्टडी करोगे, क्योंकि वेद व्यास जी जिन्होंने सब कुछ राइट मेजोरिटी ऑफ हमारे शास्त्र जो है उसका बेटर तरीके से राइटिंग डिस्क्रिप्शन हमको करके दिया वेद व्यास जी, जो अपना आखिरी किताब लिख के गए वो है भागवतम राइट। तो भागवतम भी इस चीज की पुष्टि करता है और भगवद गीता भी सेम चीज कहता है राइट। तो आप समझिए और फाइनली कहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे मैंने उनको समझाया तो वो समझ गए राइट कि मुझे कृष्ण भक्ति ही करनी है, क्योंकि मैं अगर पेड़ के पौधे को पानी दूंगा तो बाकी के पत्ते को भी पानी मिल जाएगा। सो इस तरीके से कन्फ्यूजन उनका दूर हो गया। तो जैसे जैसे आप अपना नॉलेज एक्वायर करोगे, जो भी आप अपने व्यवसाय में हैं राइट, आप अपनी स्टडी इम्प्रूव करोगे, आप सीखते रहोगे आगे राइट, तो आपका कन्फ्यूजन जो है वो दूर होता रहेगा। यू शुड कीप ऑन अपग्रेडिंग, कीप ऑन लर्निंग द थिंग्स राइट। यही चीज़ कन्फ्यूजन को दूर करती है। जन्म मृत्यु के चक्कर में से आप निकल जाओ वही फ्रीडम है। बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मृत्यु आती है, ये सारे चक्कर में से आप निकल जाओ वही फ्रीडम है। एक सच्चा गुरु का धर्म यह है कि उनके शिष्य को जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाले, यही हमारे शास्त्र गुरु की व्याख्या में बताते हैं। और कोई गुरु नहीं है, गुरु केवल वही है जो अपने शिष्य को जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल पाए। अगर गुरु के पास उसका शिष्य आता है और वो कहता है कि मैंने मटेरियल सक्सेस अचीव कर ली गुरुजी राइट, मैं बहुत आगे निकल गया, मेरी बहुत फेमस मैं बहुत आगे निकल गया, गुरुजी कभी खुश नहीं होंगे। गुरुजी केवल इतना कहेंगे आपने जन्म मृत्यु के चक्कर में से निकालने के लिए क्या प्रयास किया राइट। और ये आज के डेट पर भी वैलिड है। जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, विवेक बिंद्रा साहब मोटिवेशनल गुरु है, वो भी अपने गुरु के पास गए तो एक उनका बहुत अच्छा स्पीच है, जरा आप सुनिएगा और सोचिएगा राइट कि उनके गुरु क्या कहना चाहते हैं। किया और अब महाराज आपकी कृपा से हमारे पास ये भी अवार्ड हो गया, ये भी अवार्ड हो गया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, चैनल भी वर्ल्ड में नंबर वन हो गया, 80 करोड़ का व्यूअरशिप हो गया, 1,26,00,000 सब्सक्राइबर हो गया। गुरुदेव साहब आपकी कृपा से अब तो आपने जैसा चाहा हो गया। तो मुझे लगा महाराज बहुत खुश होंगे। महाराज ऊपर थोड़ा गर्दन ऊपर किए, मुस्कुरा के बोले कृष्ण को समय नहीं लगेगा सब कुछ छीनने में। ये और जो भी गुरु है राइट उसको यही प्रेरित करना चाहिए उनके शिष्य के लिए कि आप मोक्ष का अचीवमेंट अल्टीमेटली कैसे कर सकते हो, यही गुरु का धर्म है, यही गुरु को पालन करना चाहिए। एक बहुत ही फेमस धर्म गुरु थे जो अभी तो नहीं है, लेकिन उनकी एक कथा है, एक बात है जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको। तो वो धर्मगुरु थे, वो बहुत हाई प्रोफाइल के थे राइट, काफ़ी बहुत वीआईपी लोग वहाँ पर आते थे और भगवद गीता के बारे में उनका सेशन होता था, लाइव ट्रेनिंग सेशन होता था। तो बहुत ही वीआईपी लोग आते थे, बहुत एक्सपेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ करता था राइट, वो भगवद गीता के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो एक रिपोर्टर बहुत फेमस थे, न्यूज़ रिपोर्टर वहाँ पर आए थे और उन्होंने वो धर्मगुरु को पूछा कि साहब आप ये शो कर रहे हैं राइट, आप भगवान के नाम पे इतना पैसा कमा रहे हैं राइट, ये आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप जो आपकी स्पीच जो है, आपकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत पावरफुल है, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या इसका फायदा सामान्य गरीब लोग नहीं उठा सकते, क्या ये गरीबों के लिए नहीं है? तो उन्होंने जवाब दिया, आप सुनिएगा। उन्होंने कहा कि भगवद गीता जो है वो लीडर्स के लिए है। क्यों? क्योंकि भगवद गीता पब्लिकली भगवान ने नहीं बताई थी, ये कोई पब्लिकली ढिंढोरा पिटाने की बात नहीं थी। भगवद गीता केवल एक ही व्यक्ति को बताया गया था भगवान के द्वारा,
वो थे अर्जुन, राइट। यानी कि ये लीडर्स के लिए है, ये अन्य लोगों के लिए है ही नहीं। उनका कहना ये था कि भगवद गीता और कृष्ण भगवान की फिलॉसफी काफ़ी डिफरेंट है। जैसे दूसरी आपको मोटिवेशनल गुरु बताएंगे, बहुत जगह आपको जानने के लिए मिलेगा कि गरीबों को दो, राइट, गरीबों को दो। लेकिन भगवद गीता ऐसे बताती है कि योग्य व्यक्ति को दो, क्योंकि आजकल के ज़माने में गरीब कोई बन के आएगा मुखौटा पहन के, लेकिन वास्तविकता में वो अमीर है, वो आपसे मांगने के लिए आएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे गरीबों के बच्चे जो बेगर से, उसके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, ऐसा काफ़ी पेपर्स में भी आया है चीज़। तो भगवद गीता ऐसे बताती है कि योग्य लोगों को दिया जाए, राइट, चाहे वो गरीब हो या अन्य कोई हो, लेकिन ही शुड बी प्रोबेबल टू गेट योर डोनेशन फॉर इट। ये चीज़ उन्होंने बताया। फर्दर उन्होंने गरीबों के बारे में बताया कि पैसे की कमी है, राइट, वो क्या भगवान को समझ पाएगा? सबसे पहले वो प्राप्त करे, सबसे पहले उसके पास एक स्टेबिलिटी आए, राइट, फिर जो है ये यहाँ पर हमारे सेशन में आके कुछ अचीव कर सकता है। बाकी उनकी अचीवमेंट में कुछ नहीं है, बाकी उनके माइंड में एक ही आएगा कि भाई आज का मैं खाना कैसे प्राप्त कर पाऊं। तो उनका यह मानना था कि ये गरीबों के लिए है ही नहीं, ये केवल रॉयल लोगों के लिए है। और वहां पर रॉयल लोग जाते थे, बहुत बड़ा उनको डोनेशन आता था, बहुत बड़ा उन्होंने नाम कमाया। लेकिन दोस्तों, आज कोई गरीब पैदा हुआ है तो एक चीज उनको मान लेनी चाहिए। देखिए, आज हर कोई गरीब है। फॉर एग्जाम्पल, मैं भी गरीब हूं, कैसे, रिलेटिव तो पुअर हूं ना, राइट, मेरे पास जो बड़े उद्योगपति है उतने पैसे तो है नहीं। और आप जो रिलेटिव, आप भी किसी के कंपैरिजन से गरीब होंगे, राइट, आपसे भी कोई अमीर होगा तो उससे कंपैरिजन में तो आप गरीब हुए ना। लेकिन जो बहुत ही गरीब है, जिसके पास बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं पूरी कर पा रहे, तो उनको ये समझ जाना चाहिए कि ये उनके पिछले जन्मों का, राइट, जो हमारे शास्त्र बताते हैं, ये उनके पिछले जन्मों का कर्मों का परिणाम है कि उनको भगवान ने ऐसे स्थिति में ला के रख दिया। हालांकि भगवान ने नहीं रखा, ये उनके कर्मों के हिसाब से ही हुआ है, राइट। ऐसी स्थिति में वो आ गए कि अब वो खाने के बारे में ही सोचे, वो कैसे और अचीवमेंट कर पाएंगे, कैसे स्पिरिचुअल लेवल पे पहुंच पाएंगे, कैसे मोक्ष के बारे में चर्चा कर पाएंगे, नहीं होगा ये। तो क्या गरीब जो लोग हैं वो अचीव नहीं कर पाएंगे भगवान को? क्या मोक्ष का उनके लिए नहीं है? हमारी शास्त्रों में बताया जाता है दोस्तों कि हर कोई भगवान को अचीव कर सकता है। और यहां पर मैं कहूंगा कि अगर बहुत गरीब है तो वो लकी भी है। क्यों मैं कह रहा हूं गरीब है तो लकी है? क्योंकि जो भी गरीब है, जो आम मजदूर है, उनका वर्क जो है वो आमतौर पर ये लेबर इंसेंटिव वर्क ज्यादा होगा, राइट, उसको व्हाइट कॉलर जॉब जो है वो नहीं होगा। मतलब उनको, उनका मेंटल एबिलिटी नहीं लग रहा होगा जॉब में, जैसे भी उनको कोई जगह पे हथौड़ा मारना है या कोई जगह पे कुछ चीज़ उठा के रखना है, उनको क्या एडवांटेज है कि उनका माइंड फ्री है, राइट, उनका माइंड फ्री है। तो अगर वो भक्ति में लग जाए, अगर वो अजापा जाप की प्रैक्टिस पे लग जाए, राइट, जो अजापा जाप के बारे में मैंने पहले के क्लिप में बताया है, अगर वो ये चीज़ को प्रैक्टिस कर ले तो बहुत ही जल्द वो गरीबी से बाहर आ सकते हैं, बहुत ही जल्द वो एक स्पिरिचुअल लेवल पे, बहुत एडवांस लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर वो गरीब भी है तो लकी है, क्योंकि उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है टू रीच टू गॉड मच फास्टर। क्योंकि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, राइट, जो बहुत बड़ा अचीव किया है, उसके पास शायद इतना समय नहीं है, राइट, इवन टू थिंक, खाने पीने का भी उसको समय नहीं होता है, राइट, तो ही हैज गॉट नॉट मच सॉर्ट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट एनी सॉर्ट ऑफ थिंग्स। जबकि एक गरीब है, राइट, तो उसके पास उनका माइंड जो है वो फ्री है, और ज्यादा फ्री है, तो वो जो है वो बेटर चैंटिंग कर सकता है। भगवान जो है वो गरीब को क्यों भुला देते हैं, हमारा भगवान जो है हमारा पिछला जन्म क्यों हमको भुलवा देते हैं? वो इसलिए, अब कोई ये भी कहेगा
कि इस जन्म का जो बड़े बड़े गुंडे हैं, टेररिस्ट है, जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, उसको कुछ नहीं होता है और जो है वो आराम से अपनी लाइफ जी रहे हैं, दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, तो उन्होंने पाप किया तो उनकी सजा क्यों नहीं मिलेगी? और अगर वो नेक्स्ट जन्म में गरीब भी पैदा हुए तो उनको पता तो नहीं चलेगा, तो अल्टीमेटली उसको तो सजा नहीं मिली। लेकिन दोस्तों अब ये चीज़ सबको समझिए कि नेक्स्ट बर्थ में वो गरीब जन्म लेगा तो ऑटोमेटिकली इट्स अ पनिशमेंट, राइट? और अगर भगवान ऐसा सिस्टम बना दे कि हमको चीज़ें याद रहने लगे या हमारा पहले का जन्म हमको सब पता चल जाए तो हम जी भी नहीं पाएंगे, राइट? तो आपको जीने में मुश्किल ही होगी, राइट? आप इस लाइफ में कंस्ट्रक्टिव प्लान नहीं कर पाओगे, इस लाइफ में आप बेहतरी तरीके से ग्रो नहीं पाओगे। देखिए दोस्तों, भूलना अच्छा चीज़ है, राइट? आपको किसी ने कुछ कह दिया है, अगर आपको वो याद रहेगा तो आप बहुत दुखी रहोगे ना कॉन्स्टेंटली, राइट? कुछ दिन बाद आप भूल जाते हो, वो भूल जाते हो तो देन यू बिकम हैप्पी कि भाई, वरना आपको बुरे इंसिडेंट्स आपको याद रह जाए, राइट? देन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू लिव। सो भूलना एक अच्छी चीज़ है, एंड कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, राइट? इसमें अलग अलग लोगों की बातचीत होती है, लेकिन वो भी भगवान के पास पहुंच सकते हैं और वो भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं, राइट? यही मैं फाइनली कहूँगा। और अगर आप यहाँ तक आए हो तो आप समझ गए हो कि भगवान का नाम लेना ही सबसे बड़ा धन है, राइट? इफ यू नो दैट, इफ यू नो एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग, देन यू आर रियली वेरी वेरी रिच। एक मेरे क्लाइंट ने मुझे प्रश्न किया था कि वाई देर इज़ अ कास्ट सिस्टम इन हिंदुइज़्म, राइट? कि यहाँ पर कास्ट सिस्टम, कास्ट के कारण इतने झगड़े होते, ये और शास्त्र जो है वो ब्राह्मण लोगों ने बनाया और वो अपने आप को आगे रख रहे हैं, कुछ लोगों को पीछे रख रहे हैं। अब ये चीज़ हम समझते हैं, सबसे पहले तो हमारे शास्त्र, राइट, उसमें कास्ट सिस्टम का हमारे कर्म से है, राइट? मेनली हमारे कर्म से है, ये जन्म से नहीं है, ये पहले आप समझ ले। अब मैं आपको ये चीज़ें थोड़ी और डिटेल से बताता हूँ ताकि ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए। अब जैसे कहा कि ब्राह्मण ने शब्द शास्त्र बनाए, राइट? यहाँ पर आपका कहना ये है या आपका समझना ये है, लेकिन ये बात सच नहीं है। वाई? क्योंकि अगर सारे शास्त्र, राइट, ब्राह्मण बनाते तो ब्राह्मण के बारे में तो सारा अच्छा लिखते, राइट? लेकिन अब देखिए, रावण कौन है? वो ब्राह्मण, रावण जो है वो ब्राह्मण है, जो जिसको सबसे बुरा बताया गया है हमारे शास्त्रों में। हमारे शास्त्र में शुक्राचार्य जी भी है जो ब्राह्मण है, जो असुरों के गुरु माने जाते हैं, राइट? और दुश्मन माने जाते हैं विष्णु के, राइट? भगवान के दुश्मन है। सो ऐसे सैकड़ों ब्राह्मण हैं, राइट, जो हाईली नॉलेजेबल बताया जाता है। हिरण्यकश्यपु क्या है? ही वॉज अ वेरी हाईली नॉलेजेबल पर्सन, राइट, जिसको शास्त्र का बहुत पावरफुल तरीके से ज्ञान था। सो वॉट बेसिकली ब्राह्मण मीन्स, राइट, जो जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो उसको ब्राह्मण कहते हैं, राइट? अगर आपका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है और आपको ज्ञान नहीं है, राइट, इस चीज़ों का, तो फिर आप जो है अपने आप को ब्राह्मण कैसे कंसिडर कर पाओगे? अनलेस एंड अंटिल यू हैव ऑल सॉर्ट ऑफ नॉलेज। ठीक है, सभी नॉलेज आपके पास एट ए टाइम नहीं आ सकता, लेकिन आपको डे बाय डे नॉलेज लेना पड़ेगा, राइट? सो ब्राह्मण आर दोज पीपल जिसको सारी शास्त्रों के बारे में नॉलेज है, वेदास के बारे में नॉलेज है, जो ब्राह्मण कह सकते हो। जैसे कि ब्राह्मण लोग गणेश जी की पूजा करते हैं, उनके बारे में भी जानते हैं, फिर भगवान कृष्ण को भी मानते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं, फिर उनके अलावा वो हनुमान जी के बारे में भी जानते हैं, वो शिव जी के बारे में भी जानते हैं, दुर्गा जी के बारे में भी जानते हैं, अन्य जो देवी देवता है उनके बारे में भी जानते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में ब्राह्मण को से भी ऊपर, राइट, एक कैटेगरी बताई है, वो है वैष्णव धर्म, राइट? अगर आप डिटेल से जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। और इवन अ ब्राह्मण कैन बी अ वैष्णव। अब ये वैष्णव क्या है? वैष्णव वो है कि जो जानता है, राइट, कि देर आर सेवरल सॉर्ट ऑफ देवी देवता, लेकिन जो सबसे हेड गॉड है उसको ही पूजा करता है, उसको ही प्रीच करता है, जो है लॉर्ड कृष्णा, राइट?
कि जानता है कि देर आर सेवरल बट आउट ऑफ इट लॉर्ड कृष्णा को ही वो पूछता है जो प्रीच करता है राइट प्रीचिंग टू लॉर्ड कृष्णा वो है वैष्णव धर्म. वैष्णव धर्म की कैटेगरी सबसे ऊपर बताई गई है हमारे शास्त्रों में. वैष्णव जो लोग होते हैं वो रिस्पेक्ट सबको करते हैं राइट दे ऑल्सो वर्शिप राइट द अदर गॉड्स. लेकिन जब उनको उनकी आस्था होती है जब वो डिफिकल्ट सिचुएशन में आते हैं राइट जैसे एक छोटा बच्चा जब डिफिकल्ट सिचुएशन में होता है तो बोलता है मम्मा. इसी तरीके से जो वैष्णव है राइट वो एट द एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली इज दे आर गोइंग टू वर्शिप लॉर्ड कृष्णा ओनली राइट व्हेन दे आर इनटू दैट सिचुएशन और into their normal course of life, right? They are going to worship Lord Krishna only. और जो वैष्णव है anybody can become वैष्णव. ऐसा नहीं है कि वैष्णव कुल के लोग ही वैष्णव बन सकते हैं. नो, बताया गया है कि जो चांडाल है right? जो जिनका lower class of family में जन्म हुआ है या फिर lower class of worker है right? जो आम लोग हैं वो भी they can also become a वैष्णव. वैष्णव के लिए ऐसा नहीं है कि you have to be राइट इन टू दैट सॉर्ट ऑफ हाई क्लास फैमिली. ऐसा नहीं है. एनी बडी कैन बिकम अ वैष्णव राइट वंस दे स्टार्ट प्रीचिंग टू लॉर्ड कृष्णा मेनली देन दे कुड दे कैन बिकम द वैष्णव राइट. और भी कुछ चीज़ हैं जैसे कि दे कैन नॉट ईट दी नॉन वेज एंड सर्टन सॉर्ट ऑफ थिंग्स रिटन इन टू द शास्त्र बट मेनली राइट दे आर दी दे वुड बिकम सून इन टू द सत्तो गुण राइट वंस दे स्टार्ट प्रीचिंग टूवर्ड्स द लॉर्ड कृष्णा. आपने कुछ लोगों से सुना होगा या जाना होगा कि पहले राइट एक रॉयल लोगों को ही शिक्षा गुरुजी देते थे. जो बॉटम लेवल ऑफ लोग है उसको शस्त्र भी नहीं सिखाए जाते थे और शस्त्र उठाते थे तो उनके हाथ काट दिए जाते थे. ये दोस्तों आप समझिए कि जो वेपन्स का ज्ञान दिया जाता था वो इसलिए ताकि उनका राज्य प्रोटेक्ट किया जा सके राइट. अब आप समझ लीजिए कि आज की तारीख में सबको बंदूक का सिखाया जाए ट्रेनिंग राइट तो इसका मिसयूज़ भी हो सकता है राइट. अगर सबको बंदूक दे दिया जाए तो इसका मिसयूज़ हो सकता है. तो आज की डेट में भी आर्म्स एंड एम्यूनेशन जन जन के हाथ में नहीं है. केवल मिलिट्री वाले लोगों को सिखाया जाता है सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल को. तो बस ऐसा ही था राइट. बाकी नॉर्मल एजुकेशन एनीबडी कुड एक्वायर इट क्योंकि भगवान ने जो शास्त्र बनाया है वो सभी के लिए थे. एनीबडी कुड रीड इट एनीबडी कैन एक्वायर द नॉलेज. और शास्त्र में सभी नॉलेज है एंड यू नीड टू डिसाइड योर पाथ कि आपको क्या चाहिए. अगर आपको जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है राइट यू गो फॉर दिस थिंग. आपको कुछ और चीज़ चाहिए यू गो फॉर दिस थिंग. एवरीथिंग इज गिवन इनटू द शास्त्र. अब जैसे मैं आपको कोई लोग मुझे कहता है कि राइट भगवान में ईगो है राइट ये ईगो वाले लोग है. ऐसा बिल्कुल ही नहीं है. जब महाभारत का युद्ध पांडवों ने जीत लिया राइट तब भी सबसे ज़्यादा जो जिसको क्रेडिट दिया विक्ट्री में वो कृष्णा जी थे कि उन्होंने सारी स्ट्रेटेजी बनाई उनकी आज्ञा का पालन करके हम सारा युद्ध जीते. तो उनके लिए एक यज्ञ ऑर्गेनाइज किया करवाया गया था राइट युद्ध के बाद एक यज्ञ जहाँ पर उनका स्पेशली सम्मान समारोह हो. विदेश के बहुत पावरफुल लोग जो है वो लोग आए थे उस यज्ञ को अटेंड करने कृष्णा जी को. जो भगवान नहीं भी मानते थे वो एटलीस्ट ये तो मानते थे कि कृष्णा जी जो है बहुत हाई लेवल के राजा है राइट. और इन्होंने पूरा का पूरा पांडवों को जिताया तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए राइट लोग आए थे. वहाँ पर आप देखना कृष्ण जी ने ब्राह्मण जो लोग आए थे अन्य भी लोग आए थे उनका बहुत विनम्र तरीके से स्वागत किया. आए थे उनके लिए खाना खुद परोसा जबकि उनका सम्मान समारोह था राइट. उनके पास कृष्ण जी के पास मौका था कि उन वो अपनी ग्रैंड एंट्री के मारे और वो जो है एक उनको कोई ज़रूरत नहीं थी बिकॉज देर वर सेवरल सॉर्ट ऑफ स्टाफ टू डू दैट सॉर्ट ऑफ वर्क. लेकिन उन्होंने लोअर से लोअर लेवल का काम किया जबकि उस वक्त तो जैसे कि उनके मेहमानों के जूते चप्पल तक साफ किए उन्होंने. वो विक्ट्री से आए हुए थे उनके लिए ही ये फंक्शन था. आप समझ लिए कि आपके लिए जो मैरिज फंक्शन हो या आपके लिए वेडिंग पार्टी हो या आपके लिए बर्थडे पार्टी हो या आपके लिए एक सॉर्ट ऑफ एप्रिसिएशन करने के लिए आपका अवार्ड में आप जीत रहे हो राइट वहाँ पर आपको बुलाया गया हो और आप लोअर स्तर का काम करेंगे राइट. ये कृष्णा जी ने किया राइट. तो आप देखिए तो देर वॉज नो सॉर्ट ऑफ ईगो इन द लॉर्ड राइट. तो जब भगवान जो है वो ईगो नहीं रख रहे हैं तो हम ईगो रख के क्यों फिर रहे हैं यही हमको सोचना है समझना है. ये चीज़ समझिए कि आपने कभी 2+2 = 4 को क्वेश्चन क्यों नहीं किया. क्वेश्चन करो राइट कि 2+2 = 3 क्यों नहीं है 4 क्यों हुआ
राइट, 1+1 2 ही है ना, उसको क्वेश्चन क्यों नहीं किया? नो डाउट इट्स गुड दैट यू शुड क्वेश्चन, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देयर शुड बी अ बिलीफ, अ ट्रस्ट, राइट, और अल्टीमेटली आपको फायदा हो रहा है राइट तो करो, अगर आपको फायदा नहीं हो रहा है तो यू कैन हैव योर ओन चॉइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट. यहां पर मुझे फायदा हुआ है इसलिए मैं ये चीजें डिस्कस कर रहा हूं. उन्होंने फिर कोई मुझे ये भी कहेगा कि वेद में तो नॉनवेज खाना अलाउड है. हाँ तो अलाउड ही है राइट, नॉनवेज खाना वेद में अलाउड है, हमारे शास्त्रों में नॉनवेज खाना लिखा हुआ है, लेकिन हमारे शास्त्रों में यह भी लिखा हुआ है कि यू शुड ईट द वेजिटेरियन फूड राइट. तो आप कहोगे कि कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ऐसे थोड़ी होता है राइट, दोनों चीज इसमें बताई गई है. अरे भाई, गुण के हिसाब से बताई गई है, अलग अलग लेवल के लिए स्टडी दी गई है लोगों की राइट. अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की स्टडी करनी है, इंजीनियरिंग की स्टडी अलग है राइट. आप ये चीज को समझिए राइट, और फिर आप जो है कमेंट करिए. जब तक आपको ये नहीं पता है कि गुणों के वाइज वेदास को डिवाइड किया गया है, तब तक आपको इसमें कमेंट नहीं करना चाहिए, अनलेस एंड अंटिल यू स्टडी एंटायर थिंग राइट इन दिस सिनेरियो. आप लोगों को मोटिवेशनल गुरु जो बताते हैं, मोटिवेशनल कंटेंट जो आप सुनते हो, वो आपको बहुत अच्छा लगता है. तो आपने द सीक्रेट मूवी में देखा होगा कि जिसमें बताया गया कि आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मैं कर्जे में हूँ या मुझे कर्जे से बाहर आना है, क्योंकि जब आप यू विल थिंक अबाउट द डेप्ट कर्जा, तो आपको कर्जा ही अट्रैक्ट होगा. हाउएवर, आपका सोच तो ऐसे था कि मुझे कर्जे में से बाहर आना है, लेकिन फिर भी मोटिवेशनल गुरु उनका विरोध करते हैं. मोटिवेशनल गुरु ये बताते हैं कि थिंक ऑफ अबंडेंस राइट, थिंक अबाउट द प्रॉस्पैरिटी राइट. ऐसे मत सोचिए कि मुझे कर्जे से बाहर आना है, ऐसे सोचिए कि मैं जैसे अमीर हूँ, मेरे पास अबंडेंस ऑफ चीज़ें हैं, तो आप ऑटोमेटिकली कर्जे से बाहर आ जाओगे, ऐसा सोच रखो, ऐसा मोटिवेशनल गुरु बताते हैं. बात यहाँ पर ये आती है कि कर्जे को आपने नेगेटिव या पॉजिटिव वे से अट्रैक्ट करना चाहा या सोचा तो कर्जा ही आया, चाहे आपने कर्जे के बारे में पॉजिटिव सोचा या कर्जे के बारे में नेगेटिव सोचा, लेकिन कर्जे के बारे में सोचा तो आपने कर्जा पाया. चाहे आपकी सोच भले ही ये थी कि मुझे कर्जे से बाहर आना है, लेकिन आपने क्या पाया, खुद को कर्जे में ही पाया. वैसे ही भगवान का है. जैसा आपको पता होगा, वाल्मीकि जी ने राम के बदले मरा 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 बोल दिया राइट. ये अल्टीमेटली उनकी जो चेतना थी वो भगवान के प्रति नेगेटिव ही थी राइट. जब वो चैंटिंग कर रहे थे, मरा मरा बोल रहे थे, लेकिन फिर भी भगवान ने उनको बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी दी. पूतना जी जो भगवान को जहर पिलाने के लिए आई राइट, क्या मिला उनको, भगवान ही मिला राइट. जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल गए और गोलोक वृंदावन में रह रहे हैं राइट. दोस्तों, आपको कोई गाली लगातार देना, आपके माइंड में उनके प्रति ये द्वेष आ जाएगा, उनके प्रति एंगरनेस आ जाएगा. आप कभी उनको घर पे खाना खिलाने के लिए भी नहीं बुलाओगे, चाय भी नहीं पिलाओगे, क्योंकि वो आपको लगातार आपके बारे में हेट्रेड रख रहा है. लेकिन आप भगवान देखो, जो उनके बारे में लगातार हेट्रेड रख रहे हैं, उनको भी बढ़िया से बढ़िया चीज़ें मिल रही है हमारी शास्त्रों के अनुसार. अरे से और हमसे तो कंस जी अच्छे थे, डू यू नो कंस राइट, जो जिसने हर क्षण राइट, वो कृष्ण भगवान को याद करता था हर क्षण. कैसे, हर क्षण माइंड में रखता था कि मैं कृष्णा जी को कैसे मारूं. सोता नहीं था कंस, कंस सोता नहीं था, कंस मामा राइट. और कंस जी को भी कृष्ण भगवान ने जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल दिया. तो मोटिवेशनल गुरु जब कहते हैं कि व्हेन यू थिंक अबाउट द डेप्ट इन पॉजिटिव और नेगेटिव वे यू विल अट्रैक्ट द डेप्ट, आप मान लेते हो. लेकिन यही कंसेप्ट शास्त्र में है कि भगवान को आप गालियां भी दो या भगवान को अप्रिशिएट भी करो, कैसे भी करके याद करो, आपको बेनिफिट मिलेगा, ये चीज आप मानने के लिए तैयार नहीं है. पता है प्रभुपदा जी क्या कहते थे राइट. प्रभुपदा जी जो इस्कॉन की उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई थी राइट, उनका कहना यह था, या तो आप बहुत अच्छे भक्त बनो, या तो आप बहुत ही क्रूअल रावण जैसे बनो, बनो ऐसे पावरफुल राक्षस बनो कि भगवान को खुद आके मारना पड़े राइट, और आपको बेनिफिट मिल जाए. व्हाई, बिकॉज यू विल एट द एंड ऑफ द डे, आपको समझना यह है
कि आइदर यू थिंक इन पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे अबाउट द गॉड, यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ गुड फ्रॉम द गॉड, दैट इज द गुडनेस ऑफ गॉड। आप बताइए कि अब इससे अच्छे भगवान आपको कहाँ मिलेंगे। गालियां जो दे रहे हैं, मारने की चेष्टा कर रहे हैं, उसको बेस्ट से बेस्ट चीजें मिल रही है, इससे बढ़िया कोई भगवान हो सकता है क्या? आप मुझे बताइए, भगवान से बड़ा कोई है नहीं, और भगवान जितने अच्छे हैं ना उतने अच्छे कोई है नहीं। देखिए भक्त कौन होता है? भक्त वो होता है जो भगवान की आज्ञा को माने, ना कि भगवान से चीज़ों को मांगे, राइट? भगवान की जो आज्ञा मानता है वही भक्त है। जैसे आपने सुना होगा, देखा होगा, राम भक्त हनुमान। हनुमान जी क्या करते हैं? राम की आज्ञा को पालन करते हैं, राम की पूजा करते हैं, राम को कॉन्स्टेंटली उनके दिमाग में रखते, दिल में रखते हैं, राइट? तो भक्त जो है वो भगवान की आज्ञा मानता है। भगवान की आज्ञा क्या है? कि जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलो, राइट? ये प्रश्न करना नहीं है कि हम यहाँ पर कैसे आए। घर पे आग लगी होती है तो ऐसे सोचते हो आग कैसे लगी, निकलो निकलो घर से बाहर, राइट? इसी तरीके से ये दुखालियम दुनिया है, यहाँ पर टेम्पररी हैप्पीनेस है, परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ से निकलने की जो चाहत रखता है वही भगवान की आज्ञा मानता है और उसको परमानेंट हैप्पीनेस ज़रूर मिलेगा। देखिए भक्त के लाइफ में भी दुख आते हैं, बिकॉज सुख दुख इज़ पार्ट ऑफ दिस लाइफ। ये दुखालियम है, दुखों का घर है ये दुनिया, तो वो तो आने वाले। लेकिन आप ऐसे समझो कि जैसे आप बाई रोड ट्रैवलिंग कर रहे हो रिक्शा में, और गड्ढे हैं, गड्ढे बहुत आ गए, आपकी कमर में दुखने लगा, ओ बहुत गड्ढे आ गए। लेकिन भक्त जो है उसकी स्टाइल ऐसे होती है कि वो जैसे एक हाई क्लास कार में जैसे ट्रैवलिंग करते हैं, उसमें एक बढ़िया लेवल के सस्पेंशन होते हैं, तो रोड वही है, खड्डे वही है, लेकिन हाई क्वालिटी सस्पेंशन के कारण भक्त की कमर को दुखावा नहीं हो रहा है। इसलिए ये जो दुख झेलने की शक्ति, सुख दुख में एक कामनेस की शक्ति, राइट, आगे बढ़ने की शक्ति भक्त के पास होती है। सो सच्चे भक्त यू विल बी फाइंडिंग लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिम, राइट, लॉट ऑफ फेथ एंड बिलीव इन देम, और वो एक सच्चे लेवल में सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते आप देख पाओगे। तो इसलिए भक्त बनिए, राइट? भक्त मांगता नहीं है मुझे ये दे दो वो दे दो, तो आपने भगवान को नौकर बना दिया। आजकल के टाइम में नौकर को भी आप प्रेम से कहते हो ना, ये कर दो वो कर दो, राइट, वरना तो भाग जाएंगे। बस उसी तरीके से भगवान ने भगवान को आप मांगते रहते हो, तो नौकर थोड़ी बनाना है, वो हमारे मालिक है, राइट, और उनकी आज्ञा का पालन करना ये भक्त का कर्तव्य है, राइट? तो दे भक्त जो है शुड बी डूइंग भक्ति, यही भक्त भक्त का कर्तव्य कर्म है। दोस्तों अगर आपने एक बार भगवान का नाम शुद्ध ले लिया, एक शुद्ध नाम, राइट, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू लाइफ में, केवल एक बार, राइट? तो अब यहां पर आपको प्रश्न आएगा कि आपने तो कहा या शास्त्रों में तो लिखा है कि यू शुड बी चैंटिंग इट मोर एंड मोर। जी शास्त्रों में लिखा है कि यू शुड बी चैंटिंग इट मोर एंड मोर, लेकिन शास्त्रों में यह भी लिखा है कि अगर आप अंतिम क्षण पर, आपके लाइफ के अंतिम क्षण पर अगर भगवान को विजुलाइज करते हो, भगवान को याद करते हो, भगवान का नाम लेते हो, तो तुरंत ही आपको, राइट, जन्म मृत्यु के चक्कर से आप निकल जाते हैं। तो अंतिम क्षण में नाम लेना बहुत ज़रूरी है। आपने शास्त्रों में देखा होगा, इफ़ यू हैव गॉन थ्रू भागवतम, राइट, तो बहुत सारे केसेस है जहाँ पर लोगों ने पूरी जिंदगी, जैसे भरत महाराज का एग्जांपल आप ले लो, भरत महाराज ने बहुत डेडिकेटेडली चैंट किया, लेकिन अंतिम क्षण पर उन्होंने हिरण को विजुलाइज किया और वो अल्टीमेटली नेक्स्ट बर्थ उनको हिरण का मिल गया, एनिमल फॉर्म का बर्थ मिल गया, जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं निकल पाए। और ऐसे भी बहुत सारे केसेस है जिन्होंने हरि भगत का नाम इतना ज्यादा लिया नहीं, जिन्होंने हरि कीर्तन किया नहीं, जिन्होंने बहुत कम हरि कीर्तन किया, लेकिन उनके लाइफ के एंड क्षण पे एक केस है, राइट, जिन्होंने उनके बच्चे का नाम रखा था, उनके बच्चे का नाम रखा था उन्होंने नारायण, तो लास्ट मोमेंट में कहा मरते मरते नारायण, और क्या हो गया, सीधा उनको जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल गया। वो तो भगवान को याद भी नहीं किया, सिर्फ भगवान का नाम लिया, राइट?
तो जैसे मैंने कहा कि कैसे भी करके आप नाम लेते हो, विजुलाइज करते हो, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट बेनिफिटेड, चाहे इन एनी सॉर्ट ऑफ वेज, ये पहले मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं. सो ओनली वन नेम इज मोर देन इनफ, राइट. ऐसा बताया जाता है कि एक बार आप हरे कृष्ण महामंत्र कर लेते हो तो इतना बेनिफिट आपको मिल जाता है कि जितना पाप आप करने की सोच भी ना सको, इतनी ताकत है इस नेम में, हरे कृष्ण महामंत्र में. तो वन टाइम इज मोर देन इनफ, राइट, फॉर योर एंटायर लाइफ टाइम. लेकिन दोस्तों आप ये समझिए कि लाइफ के अंतिम क्षण में कभी आपको याद आएगा, राइट. कोई लोग मुझे कहते हैं कि ये तो बड़े हो जाएंगे, 60-70 ईयर्स के बाद की ये बात है, तब जाके ये सोचेंगे करेंगे. नहीं होगा कभी, ये बचपन से करना पड़ेगा, फिर जो है आपका हाई बड़ी एज में नहीं होता. इट्स नॉट दैट ईजी, ये पहले से प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, राइट. शास्त्र बताते हैं कि बच्चा 5 साल का हो गया तब से वो डेडिकेटेडली जो है रिलीजियस एक्टिविटी में फोकस करना चाहिए, राइट. तो आपको ये चीज़ में बहुत ध्यान रखना है कि जो भी आपका स्टेज है, राइट, यू स्टार्ट इट फ्रॉम राइट नाउ, डोंट डिले दैट मच. अब हम रेगुलरली जब चैंट करते हैं, अगर आपने अजपा झापा का सिस्टम के बारे में समझा है जो मैंने पहले के क्लिप में बताया था, तो तकरीबन हम एक दिन में 21,600 जितने नाम ले सकते हो अगर आप सांस से जोड़ दो. जैसे आप सांस लेते हो तब आपने जोड़ दिया हरे, और जब आप सांस को छोड़ते हो उस वक्त आपने बोल दिया कृष्णा, मतलब सांस के साथ सिंक्रनाइज कर दिया, ठीक है. तो तकरीबन अगर आप कॉन्स्टेंटली ये करते हो तो 21,600 अप्रोक्सीमेटली आपकी ब्रीदिंग के साथ ये सिंक हो रहा है. लेकिन जो हमारे प्रभुपदा जी है, राइट, जो इस्कॉन के फाउंडर हैं, उन्होंने कम से कम मिनिमम 16 माला की बताई है हरे कृष्ण महामंत्र की. यानी कि अब एक बार बोलोगे हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, ये एक हुआ. ऐसे आपको करने पड़ेंगे 108, इसलिए होती है कंप्लीट एक माला, राइट. ऐसे आप इंटू 16 करोगे तो तकरीबन आपका आंसर आएगा 1728. तो 1728 टाइम्स इन अ डे आपको महामंत्र करना है. ये आप करने बैठोगे तो मैंने ट्राई किया है, तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लगते हैं इसको करने में, और शुरुआत में तो मुझे 3.5 आवर्स लगते थे ये पूरी 16 माला को कंप्लीट करने के लिए. इट इज़ एडवाइजेबल टू डू इट इन द मॉर्निंग टाइम फ्रेम, जब आप उठो, हो सकता है तो अर्ली उठ जाइए, यही बेहतर है, 4 बजे, राइट, और करने लगिए. इट विल टेक अराउंड 3 आवर्स और 3.5 आवर्स, और एट मैक्स इट कुड टेक 4 इफ़ यू आर वेरी स्लो. लेकिन आपकी एक माला तकरीबन 10 से 12 मिनट में एट मैक्स खत्म हो जानी चाहिए, राइट. तो जो है आप प्रॉपरली कर पाओगे. यू शुड नॉट बी दैट टू स्लो और यू शुड नॉट बी दैट फास्ट कि आपकी एक माला 5 मिनट में कंप्लीट हो जाए. हाउएवर इट इज़ गुड, आपको अल्टीमेटली कंफर्टेबल होना चाहिए, आइदर फास्ट और स्लो, यू शुड बी फीलिंग द सेटिस्फैक्शन. लेकिन इनिशियल फेज की बात कर रहा हूँ. अब हरे कृष्ण महामंत्र में हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, ऐसे टोटल 16 नाम आ रहे हैं, 16. अब ये 16 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, राइट, इन 1728, तो आपका आंसर एक दिन में, मतलब 16 माला कंप्लीट करते ही, तकरीबन 27,648 आ रहा है. यानी कि जो आप पूरे दिन अजपा जाप कर रहे हो, राइट, हरे कृष्णा को लेके या राम को लेके या अन्य कोई आप देवी देवता भगवान में जहां भी मानते हो आप करते हो, सांस के साथ जब आप जोड़ देते हो, उससे कहीं ज्यादा आपकी ये 16 माला हो जा रही है, वो भी आपकी 3 आवर्स में कंप्लीट हो जा रही है. तो पूरा दिन जो आप चैंटिंग करते हो उसका बेनिफिट आपको 16 माला में मिल जा रहा है. क्योंकि आप देख लो कि एक जब आप करते हो हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, तो ये 16 इसमें नेम्स हैं, राइट. 16 टाइम्स आपने चैंट किया, ये आपके टोटल हो जा रहे, 16 माला कंप्लीट करोगे तब 27,648, राइट. यानी कि आप एक दिन में, राइट, अगर आप सांस के साथ भी पूरे दिन आप जाप कर लो ना, उससे भी पावरफुल आपका हो जाएगा केवल ये आपका 3 घंटा, राइट. इतना अब इससे शॉर्टकट आपको क्या मिल सकता है. हाउएवर यू शुड बी डूइंग इट एज मच एज यू कैन, बट दिस इज द मिनिमम, राइट. और ध्यान रखिए, एक शुद्ध नाम काफी है, केवल एक शुद्ध नाम, लेकिन पता नहीं कौन सा शुद्ध हो, राइट. हमारा पता नहीं कौन सा नाम शुद्ध निकल जाइए, इसलिए चांट करते रहिए
और डेफिनेटली होप फॉर द बेस्ट कि एक शुद्ध नाम निकल जाए और आपकी सारी समस्या को पार कर दे। देखिए पुत्र और पुत्री, पुत्र का धर्म क्या है? पुत्र का धर्म ये होता है कि अपने माता पिता को जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाले। और माता पिता को भगवान शास्त्र में नहीं कहा गया है, डोंट मेक दिस मिस्टेक, माता पिता जो है उसको गुरु की तरह जो है वो रखा गया है शास्त्रों में, उनको गुरु की पदवी दी गई है। लेकिन गुरु भी कौन है सच्चा, राइट? कौन है गुरु, किसको गुरु कहते हैं? गुरु वो है जो अपने शिष्य को जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलवाने की ट्रेनिंग दे, उनकी बात करे, उनके बारे में डिस्कस करे। तो अपने धर्म को समझिए, एक पति का धर्म है अपने वाइफ को जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाले, एक वाइफ का धर्म यह है कि अपने पति को जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाले। हरे कृष्णा प्रभु जी, तो चिंता मत करिए प्रभु जी, हमारे को सबको जन्म जन्मांतरों से बड़ी बुरी आदतें पड़ी हुई हैं, तो हमको आस्ते आस्ते उनको दूर करना होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप एक काम करिए, सिर्फ आप सिर्फ 5 मिनट उच्चारण करके करिए, बाकी टाइम वैसे कर रहे हैं वैसे करिए। फिर इसको आस्ते आस्ते ऐसे 4-5 दिन 5 मिनट किया, फिर इसको 8 मिनट किया, ऐसे बढ़ाते जाइए थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ पढ़ने की कोशिश मत करिए। तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप 16 माला जो है पूरी इसको इस पर कर सकोगे, बोल के कर सकोगे, क्योंकि कलयुग जो है संकीर्तन युग है। तो यहाँ कीर्तन मतलब श्रवणम कीर्तनम होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो अभी 5 मिनट शुरू करिए, सिर्फ 5 मिनट, क्योंकि 5 मिनट तक मैं बोलूँगा, उसके बाद जो आप कर रहे हैं जो अंदर बाहर जो बोल रहे हो आप, वो करते रहो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इस 5 मिनट को बढ़ाओ आस्ते आस्ते, तो इसी यही तरीका है। तो इससे क्या होगा, आस्ते आस्ते आदत पड़ती जाएगी, वो आदत छूटती जाएगी, आदत पड़ती जाएगी, ठीक है जी? तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कलयुग के अंदर, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए हम एडवाइस करते हैं कि इसको व्यक्ति सुबह करे, जब इसको पास अपना समय है उस टाइम ध्यानपूर्वक इसको 5 मिनट करिए, सुबह करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आस्ते आस्ते इसको बढ़ाइए, ठीक है ना जी? तो देखिएगा आपको इसमें 100% रिजल्ट सही मिलेंगे। धन्यवाद, हरे कृष्णा। आप समझना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए। यहां पर दोस्तों भक्त को समझना ये है कि दुख तो आएंगे, राइट, कभी भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप भक्त हैं, अगर आप कृष्ण भक्ति करते हैं, राइट, तो आपको भगवान उस दुख में से बाहर ला देंगे। एक्चुअली आप देखोगे कि सुख दुख आपके कहां पर होते हैं, माइंड में, राइट? इट्स ऑल अबाउट द माइंड एट द एंड ऑफ द डे, आपके सुख दुख के लिए, ठीक है? तो माइंड जब स्ट्रांग हो जाता है, राइट, वो पॉजिटिव फ्लो उनको जब मिलता है तब नए नए आइडियाज आते हैं। और जब भी माइंड नेगेटिविटी में चला जाता है तो लोग जो है अपने आप में से विश्वास खोना शुरू कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा काफ़ी स्पोर्ट्स गेम आप देखते होंगे, तो उसमें कोई प्लेयर का फॉर्म चला जाता है तो लंबे समय तक फॉर्म उनका डाउन चला जाता है, बिकॉज इट्स कॉन्स्टेंटली ऑन द नेगेटिविटी जोन, राइट? फिर उनको पॉजिटिविटी में जब वो आता है तब उसका फॉर्म इम्प्रूव होता है। तो इसी तरीके से माइंडसेट की बात यहाँ पर आती है। तो जब अगर आप दोस्तों ऐसा माइंडसेट रखते हो कि मेरे को कुछ होगा ही नहीं, राइट, तो ऐसा तो कंस भी यही सोच रहे थे, राइट, जो राक्षस बताए गए हैं, रावण भी यही सोच रहे थे और हिरण्यकशिपु जी भी यही थे ना राक्षस, भाई हमें कोई क्या कर सकता है, हम तो राजा है, हम तो श्रेष्ठ हैं। तो ये यही बात है कि कहीं ना कहीं हम उनकी तरह ही सोच रहे हैं कि भाई दुख मेरी लाइफ में क्यों आवे, मतलब कहीं ना कहीं हम कोसते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों दुख आया मुझे, राइट, क्यों ऐसा हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली अब ये समझ लो कि दुख तो आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर नेगेटिव सोच रहे हो। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि एक रोड है जहाँ से आपको ट्रैवलिंग करना है, ठीक है, उसमें बहुत गड्ढे हैं। अब गड्ढे तो हैं, गड्ढे ही हैं वहाँ पर, ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो बताइए? अब राइट, अब रिक्शा से ट्रैवल कर रहे हैं, अब रिक्शा से ट्रैवल कर रहे हैं,
रिक्शा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, आपको कमर का बहुत इश्यू हो गया, हो जा रहा है, राइट, ऊपर नीचे रिक्शा हो रहा है, आपको बहुत इश्यू हो रहा है क्योंकि काफ़ी खट्टे हैं रोड में। और वही रोड में राइट मर्सिडीज बेंज भी कोई लेके या हाईफाई कार लेके ट्रैवल करेगा तो रोड वही है, लेकिन उसको क्योंकि मर्सिडीज बेंज के सस्पेंशन इतने अच्छे हैं कि उनको गड्ढे का इफेक्ट नहीं हो रहा है, राइट। तो ये स्थिति हो रही होती है एक्चुअल में भक्त की। भक्त क्या करता है, भक्त को अटूट विश्वास है, राइट, ही इज वेरी पॉजिटिव, ही इज पॉजिटिव इन विच वे, चलो कर्म के अनुसार जो भी खड्डे आने वाले थे आ गए, कोई बात नहीं, कृष्णा जी बचा लेंगे। तो भक्त की स्थिति क्या होती है, राइट, कि उनको कृष्णा जी क्या करते हैं, रिक्शा से मर्सिडीज लेवल तक पहुंचा देते हैं, राइट। अब रिक्शा से मर्सिडीज लेवल हो गया तो खड्डे जो है वो आसानी से पार हो गए, क्या प्रॉब्लम है यार, राइट। तो एक्चुअली क्या डिफरेंस है, जो आप ट्रेडिशनल मोटिवेशनल गुरु को फॉलो करते हो, जो मोटिवेशन की बड़े भाषण देते हैं और अच्छी अच्छी कहानी बताते हैं मोटिवेशन की, राइट, इस मोटिवेशन में कहीं ना कहीं लोग ये सोचने लगते हैं कि भाई अपने साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, राइट, जो एकदम गलत है ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हर शास्त्र में ये लिखा है दुखालयम अशाश्वतम, राइट, ये जगत आपको अगर दुख चाहिए होगा तो देगा, दुख नहीं चाहिए होगा तो कोशिश करेगा कि आपको दुख आवे, लेकिन अगर आप कृष्णा जी की शरण में हैं, राइट, आप कृष्णा जी की छत्र छाया में हैं तो फिर आपको चिंता की बात ही नहीं है, दुख दुख आपके लिए होंगे ही नहीं, सुख दुख के ऊपर के स्टेज में आप हो, आप आनंद के स्टेज में हो। सो कंक्लूडिंग बात दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, राइट, अगर आप हमेशा पॉजिटिव रहना चाहते हो तो इट्स वेरी सिंपल, राइट, सिर्फ आपको इतना सोचना है, अरे कृष्णा जी मुझे बचा लेंगे, कृष्णा जी मुझे बचा लेंगे, कृष्णा जी इज गोइंग टू सेव मी, बस, राइट, इट्स दैट सिंपल, राइट, आपको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा होगा या वैसा होगा, मैं चाहता हूँ वैसा हो वैसा हो, अरे डोंट वरी ऑन एनीथिंग ना, कृष्णा जी के ऊपर छोड़ दीजिए आप, राइट, सिर्फ इतना सोचिए कृष्णा जी इज गोइंग टू सेव मी, मुझे बचा लेंगे, जो कुछ भी होगा, बुरा सा बुरा होगा, मुझे बचा लेंगे, क्या डर। तो अब क्या डरना, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि फेथ कैसे बिल्डअप करना है, कैसे अटूट विश्वास डेवलप किया जाता है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस से माइंडसेट इंप्रूव होता है, जिससे आइडियाज आते हैं, राइट। सो वी आर गोइंग टू लर्न द फेथ इन द नेक्स्ट वीडियो, सो कीप वॉचिंग इट, थैंक यू। तो दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे फेथ बिल्डअप करना है, राइट। अब आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा फ्लैशबैक आपको दे देता हूं, जो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि हमारा माइंडसेट हमको ये रखना है कि कोई भी परिस्थिति आएगी कृष्णा जी हमको बचा लेंगे, तो हमको कोई चिंता या प्रॉब्लम नहीं है, राइट, कोई भी परिस्थिति आएगी कृष्णा जी बचा लेंगे, राइट। सो ये एक हैप्पी माइंडसेट हमको रखना है। अब फेथ कैसे डेवलप करना है कि कृष्णा जी हमको बचा लेंगे, राइट, कृष्णा जी हमको हेल्प कर लेंगे, राइट, मैं तो बुरी परिस्थिति में फंसा हूँ लेकिन मुझे मदद नहीं मिल पा रही है, राइट, मैं मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, ऐसे प्रश्न आपको आ सकते हैं, राइट। तो कैसे प्रैक्टिकली, राइट, मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपको इसमें वर्कआउट करना है और कैसे इसमें सॉल्यूशन मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों ये आप समझ लो कि सुख दुख जो आपके हैं वो माइंड से हैं सबसे पहले, राइट, जो भी परिस्थिति है, कोई किसी लोग किसी की परिस्थिति में उनको फाइनेंस की कमी हो सकती है उनके घर में, राइट, वो दुखी है, कहीं ना कहीं वो माइंड से, राइट, सबसे ज़्यादा दुखी है, क्योंकि अगर उसका माइंड जो है अगर वो हैप्पी रह रहा है तो ही कुड बी हैप्पी एंड जॉयफुल इवन इन जेल, राइट, जेल में भी वो खुश रह सकता है,
या कोई फैसिलिटी उसके पास नहीं हो, फिर भी वो खुश रह सकता है, और अगर वो खुश है तो वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है, राइट? तो एट द एंड ऑफ द डे आनंद, राइट, इज इट्स इम्पॉर्टेंट. अगर आप मोटिवेशनल सेमिनार में बड़ी बड़ी हाई फीस देके भी जाते हो, राइट, तो वहाँ पर भी यही सीखा जाता है कि यू हैव टू इंक्रीज द लेवल ऑफ वाइब्रेशन. वो उनको वाइब्रेशन बोलते हैं, राइट, कि अभी आपका वाइब्रेशन का लेवल ऐसा है, राइट, लोअर लेवल क्वालिटी का है, आपको हायर फ्रीक्वेंसी में पहुँचने के लिए यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, यू हैव टू बी एट दैट स्टेज, राइट? तो वो वाइब्रेशन के व्यू पॉइंट से आपको समझाते हैं. अब फर्दर दोस्तों इसको हम समझते हैं शास्त्रों के व्यू पॉइंट से. तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आपका और कृष्ण जी का संबंध कैसा है. यह सबसे इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले आपका और कृष्ण जी का संबंध कैसा है, तो यह मैं बता देता हूं दोस्तों कि आपका और कृष्ण जी का संबंध एकदम पर्सनल है, राइट, और एकदम स्ट्रॉन्ग है. कृष्ण जी जो हैं वो बहुत आपसे करीब आना चाहते हैं, राइट, इनफैक्ट जब भी बुलाते हो ही इज देयर, लेकिन कहीं ना कहीं हमने उनको बुला दिया है, राइट, क्योंकि हम उनको वैल्यू ही नहीं करते, राइट. हम क्या करते हैं, जो कोई कृष्ण जी को थोड़ा बहुत मानता भी है वो मोस्ट ऑफ क्या करता है, वो क्रेडिट दे देता है कि देखिए सब तो भगवान की कृपा से हुआ, लेकिन वास्तविकता में मानता नहीं है दिल से, क्योंकि क्या है, उन्होंने कभी प्रैक्टिकली अप्लाई किया ही नहीं है चीज को, राइट, सिर्फ बस सब लोग मान रहे हैं इसलिए मान लिया, बोल दिया. यहां पर दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकली चीजें बताना चाहता हूं, मैं आपको एहसास कराना चाहता हूं कि कृष्ण जी क्या है, क्योंकि ये केवल बोलने और पढ़ने की बात नहीं है, ये आपको खुद एहसास करना है. आई वॉन्ट दैट यू फील फ्रॉम इनसाइड, राइट, ये एहसास करने की बात है. जब आपके अंदर एहसास होगा ना, तब आपके आपको विश्वास आएगा. एक बार एहसास तो करके देखिए दोस्तों. मैं यहाँ पर आपको कुछ मेथड्स बताता हूँ, आप फॉलो करना. मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको अंदर से फील आएगा. यू विल बी एबल टू फील दैट लॉर्ड इज विथ यू, राइट. आप ये वीडियो को पूरा देखेगा, आपको आइडिया आएगा, समझ में आएगा कि मैं चीज क्या आपको समझाने चाह रहा हूं. नॉर्मली आप कोई सेलिब्रिटी देखते हैं, या आप कोई भीड़ में है, सेलिब्रिटी आ गया, या सेलिब्रिटी कोई भाषण दे रहा है और अपने हाथ हिला रहा है, वेव कर रहा है, बोल रहा है कि मैं आपका ही हूं, मैं आपके साथ हूं, राइट, आप सब लोग मेरे अच्छे फैन हैं, मैं इट्स गुड. लेकिन क्या वो सेलिब्रिटी आपको पर्सनली जानता है? आप भीड़ में हो, राइट, आप भीड़ में हो, ही डोंट नो अबाउट यू, यू नो हिम. आप सेलिब्रिटी को अच्छी तरीके से जानते हो, आपको बहुत पसंद है, लेकिन क्या वो आपको जानते हैं? नहीं. जबकि कृष्ण जी आपको पर्सनली जानते हैं, ही पर्सनली नोज यू वेरी वेल, पर्सनली, राइट. आप कितने खुश होते हो जब आप कोई सेलिब्रिटी आपको पर्सनली जानता है, यू बिकम हैप्पी, नो? कृष्ण जी यही है, वो आपको तो पर्सनली जानते हैं, लेकिन आपने उनको बुला दिया है. देखिए, जब कोई बच्चा घर से दूर कहीं पढ़ाई करने के लिए जाता है, राइट, तो माता पिता को पता रहता है कि ये दूर गया है तो उनको असुविधा होगी. घर जितनी फैसिलिटी नहीं होती, बाहर हॉस्टल में काफ़ी दुख को झेलना पड़ता है. तो माता पिता खास कहते हैं बच्चे को कि देखो आप हॉस्टल में जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा, हम तुरंत हेल्प कर देंगे. घर जैसी फैसिलिटीज़ नहीं होगी, घर नहीं है, हॉस्टल है, राइट, तो फिर बच्चा हॉस्टल में जाता है. हॉस्टल में कुछ असुविधा होती है, राइट, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, वो अपने पेरेंट्स को बताता है, शेयर करता है बात, और पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि उनको जो फैसिलिटीज़ चाहिए, राइट, वो उनको हॉस्टल में दे पाए. लेकिन वो तब पॉसिबल हो पाएगा जब पेरेंट्स वो फैसिलिटीज़ दे पाने की कैपेसिटी में होंगे, और अगर बच्चा उनसे मांगेगा, राइट, तभी ये पॉसिबिलिटी हो पाएगी. अब दोस्तों यही चीज़ आपको समझना है कि आप अपने घर पे नहीं हो, राइट, आप वही बच्चे की तरह कहीं हॉस्टल में गए हो. यही ये जो दुनिया है ये आपका घर नहीं है, क्योंकि आपका शरीर, आपकी जीव है, राइट, वो छोड़ देगा इस शरीर को, राइट, क्योंकि आप देखिए डेड बॉडी और लिविंग बॉडी में डिफरेंस क्या है.
दोनों में हार्ट होता है राइट। और आजकल को तो साइंस इतना डेवलप हो गया है कि हार्ट को भी वो वेंटिलेशन में रख सकता है राइट। काफ़ी सारी चीज़ें हैं लेकिन फिर भी राइट क्यों लोग मर जाते हैं, क्योंकि जीव जो है उसमें से निकल जाता है राइट। आप आत्मा को नहीं भी समझते तो आप जीव तो समझ ही सकते हो, बेसिक सी बात है राइट। अब और ये तो हर धर्म में माना जाता है मेनली, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जो मेजर रिलीजन्स है वो ये कंसेप्ट में विश्वास करते हैं, सारे रिलीजन आगे मेजर राइट। तो इसमें कोई दो मत नहीं है, सब लोग मानते हैं राइट कि जीव जो है वो निकलेगा और उनको एक उनके घर पे जाने के लिए राइट। इसलिए जब भी आप शुद्ध भक्त को पूछते हो कि आपके माता पिता कौन है, तो वो कहता है कृष्णा। आपके भाई और सिस्टर कौन है, कृष्णा। आपके फ्रेंड कौन है, तो वो भी बताते हैं कृष्णा। और यही फैक्ट है राइट कि आपके सारे रिलेशन जो है वो एक्चुअली कृष्णा के साथ है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने घर पे नहीं पहुंचते हो राइट, वैकुंठ धाम आपका घर है, कृष्णा जी का धाम, वहां पर आप नहीं पहुंचते हो तो क्या होता है, आप जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हो। अगले बर्थ में आपके नए माता पिता होंगे, नेक्स्ट बर्थ में आपके और भाई बहन होंगे। अब चाहे आप मानो या ना मानो, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेशन, आपका संबंध कृष्णा जी से हमेशा रहेगा राइट। और कृष्णा जी तो हमेशा कृपा देने के लिए आते हैं, लेकिन मैंने लोगों को कहते ऐसे सुना है कि हम तो भक्ति तब करेंगे जब भगवान का बुलावा आएगा, जब भगवान हमको कहेंगे या आशीर्वाद देंगे तब हम सब शुरुआत करेंगे। ये कैसी बात है दोस्तों, ये तो कैसी बात है कि सूर्य की किरणें तो आ रही है राइट, सूर्य का भेदभाव कर रहा है नहीं, सूर्य सबको प्रकाश देना चाह रहा है, लेकिन आप एक रूम में बंद हो और आप कह रहे हो कि देखिए यहां तो सूर्य आ ही नहीं रहा है राइट, मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। लेकिन आपने ही रूम बंद कर दिया है, आपने ही विंडो क्लोज करके रखा है, तो कैसे भगवान कृपा कर सकते हैं आपके ऊपर। अब दोस्तों आप प्रैक्टिकली ये कैसे जान सकते हो कि भगवान से आप कृपा ले रहे हो या नहीं, या फिर आप भी बंद कमरे में बैठे हो राइट, आपने विंडो भी बंद रखा है और जैसे सूर्य की किरण आ नहीं पा रही है वैसे भगवान की कृपा आ नहीं पा रही है। भगवान हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी है, तो ऐसे मत कहिए कि भगवान की कृपा मेरे पर हो ही नहीं रही, भगवान तो मेरे सामने देख ही नहीं रहे। मैंने जैसे कहा कि आपका पर्सनल रिलेशन भगवान के साथ है, भगवान नोज यू वेरी वेल, वेरी वेल। अब प्रैक्टिकली आप यह कैसे जान सकते हो कि आप कृपा भगवान से ले रहे हो या नहीं, इसके वाइब्स आपको कैसे आएंगे ये समझ में आए। तो जब भी कोई मुश्किल ही आती है राइट आपके लाइफ में, देखिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो होती है राइट लाइफ में, जो कभी आपकी प्रॉब्लम्स है, जो भी समस्या है इस दुखालियम में, इसमें आपका माइंडसेट कैसा है राइट। अगर आपकी सोच कुछ इस तरीके से है कि ये दुख में तो राइट कुछ प्रॉब्लम जैसा है ही नहीं, ये तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा राइट, ये आने वाले टाइम में इस तरीके से सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब सॉल्यूशंस है आपके पास, चीजों के सॉल्यूशंस है राइट। अगर नहीं है, अगर आपका माइंड अपने अंदर ही अंदर कुछ आपको खाए जा रहा है, इसका मतलब यह है कि आप भगवान से कृपा नहीं ले रहे हो और आपको फेथ ही नहीं है कि भगवान आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, फेथ ही नहीं है, फेथ ही नहीं है राइट। और भगवान के पास पूरी कैपेसिटी है कि आपके भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे आसानी से राइट, भगवान हैज गॉट दैट कैपेसिटी। अब इसको अगर फेथ नहीं आ पा रहा है, ऐसी स्थिति है कि कहीं ना कहीं फेथ नहीं बिल्डअप कर पा रहा है कि कृष्णा जी मेरा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे, आप मान तो रहे हो, इस चीजों को आप समझ भी रहे हो, लेकिन फेथ नहीं आ पा रहा है अंदर से, तो क्या करें? इसके लिए दोस्तों करना होता है जप। अब आप जप का इंपॉर्टेंस समझे कि मैं क्यों बार बार जप कह रहा हूं कि आप जप करिए जप करिए, लेकिन आपको वो चीज गले में उतर ही नहीं रही थी। अब आप इस चीज को समझिए कि जितना आप जप करोगे राइट, उतना आपका फेथ बिल्डअप होगा, जैसा फेथ बिल्डअप होगा ऐसी मुश्किल परिस्थिति में आपका माइंडसेट जो है राइट वो बहुत ही अच्छा रहेगा और सॉल्यूशन मेकिंग होगा।
आप कभी भी बैकफुट में नहीं जाओगे, राइट, कभी भी पीछे नहीं जाओगे, आप जो है वो बहुत ही चीज़ों को अच्छी तरीके से फेस करोगे और उसका सॉल्यूशन भी ला पाओगे, राइट। तो आपको करना क्या होगा, आपको जाप करना है। अब आप कहोगे सर मेरे पास जाप का समय ही नहीं है। देखिए जैसे मैंने कहा कि आपको 16 माला करना है, 16, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको करने में 2 से 2.5 घंटा आपको लग सकता है, अगर बहुत स्लो हो तो ज़्यादा लगता है, राइट, लेकिन ऑन एन एवरेज 2-2.5 आवर्स लग जाएगा, 2 आवर्स तो आप पकड़ के चलिए। अब आप सिर्फ ट्राई करना कि मॉर्निंग में आप उठते हो, ट्राई टू वेक अप वेरी अर्ली, लेकिन आप जब उठते हो सबसे पहले आप काम ये करना कि मुझे ये 16 माला कंप्लीट करनी है, राइट, हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये एक। अब आप देखोगे आपको तुरंत रियलाइज होगा कि जैसे आपके 16 माला कंप्लीट होता है, राइट, हो सकता है कि आपको इनिशियल फेस में कुछ ऐसा हो, लेकिन मे बी ओवर अ वीक ऑफ टाइम आपको पता चल जाएगा कि इट्स अ पार्ट ऑफ योर हैबिट, राइट। एक्चुअली तो ये चार बजे उठ के करना होता है, राइट, तो गॉड नोज हाउ टू कंट्रोल द टाइम, वी कांट कंट्रोल द टाइम, वी हैव गॉट नो कंट्रोल ओवर इट, बट गॉड हैज गॉट द कंट्रोल ओवर इट, राइट। सो ये बहुत लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, इंक्लूडिंग माइन, राइट, क्योंकि मैं भी बचपन से नहीं करता था, धीरे धीरे सीखा, तो हो रहा है और इससे एक्टिविटीज भी इंप्रूव हो रही है, रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, राइट, तो ये एक्सपीरियंस से आपको पता चलेगा। सो मैं चाहता हूं कि ये चीज को एक्सपीरियंस आप करें, ये पढ़ने और मेरे बताने से आपको नहीं होगा, लेकिन जब आप खुद फील करोगे, राइट, मुश्किल परिस्थिति में आप बोलिए, राइट, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सी नॉर्मल कोई वर्ड बोलते हो, जैसे आपने बोला कार, तो कार आपने बोला वो अलग है और कार जो आपको सामने दिखती है अलग है, लेकिन कृष्णा जी में ऐसा नहीं है। व्हेन यू स्पीक द कृष्णा, इट्स ओवर हियर, ही इज हियर इटसेल्फ, राइट, ही इज विथ यू, कहीं आपको और कहीं जाने की जरूरत है नहीं, राइट। कलयुग में आपको संकीर्तन, राइट, नाम जप करने से ही सब कुछ मिल जाता है जो आपको चाहिए, राइट, आनंद, दैट्स द एक्सट्रीम थिंग यू वॉन्ट अबाउट एनी अचीवमेंट, दिस थिंग यू आर एबल टू गेट विद दिस, सो दैट्स द पावर इम्पैक्ट ऑफ फेथ, यू हैव इट। ये भगवद गीता केवल 5000 ईयर्स ओल्ड किताब नहीं है, भगवान इतना अन्याय नहीं कर सकते। तो आप ये समझिए कि अगर भगवान 5000 ईयर्स पहले आते तो उससे पहले के जीवन का क्या। अब ये तो समझिए, क्या भगवान को इतना नहीं पता कि यार अगर मैं 5000 ईयर्स पहले ही आया हूँ तो उससे पहले भी जीवन था ना, तो उनके साथ थोड़ी भगवान अन्याय करेंगे। भगवद्गीता में साफ लिखा है, पढ़िएगा, सबसे पहले मैंने ज्ञान सूर्य को दिया। अब आप एनालाइज कर लेना कि सन कभी आया है, राइट, क्योंकि सबसे पहला ज्ञान उनको मिला है, राइट, और हम ये भूल रहे हैं ना, इसलिए भगवान को बार बार आना पड़ रहा है, बार बार सेम चीज़ कहते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं भगवान यार नेक्स्ट कल्कि अवतार आएगा क्या कहेगा, अरे भाई यही कहेगा कि तू शरीर नहीं तू आत्मा है, और जो बातें भगवद गीता में बताई गई है, जो बातें शास्त्र में बताई गई है, जो पुराणों में है, जो उपनिषदों में है, वही बात वापिस से बताई जाएगी, कोई नई चीज़ नहीं होगी भैया, राइट, कोई नई चीज़ नहीं होती यहाँ पर, लेकिन आप लोग ये चीज़ को समझना ही नहीं चाहते, आपको मोटिवेशनल गुरु चाहिए इनके लिए समझने के लिए, राइट, आप क्यों ऐसा कर रहे हो। आपको अगर गुरु फॉलो करना है, राइट, आपको YouTube में उनके बहुत सारे फ्री वीडियोस मिल जाएंगे, उनके लाइव फ्री सेशंस होते हैं विदाउट एनी चार्ज। आप गिव गीता का चैनल फॉलो करिए, राइट, मैं भी फॉलो करता हूँ गिव गीता, आपको कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। जो लाखों रुपये आप मोटिवेशन के लिए आप स्पेंड कर रहे हो, राइट, अपनी तरक्की के लिए, ग्रोथ के लिए, ये वृंदावन चरण दास जी जो है और अवतारी जी का सेशन आ रहा है उसमें, राइट, कृष्णदास का, आप जरा सुनिए, राइट, और थोड़ा समय निकालिए, डेली लाइव क्लास होता है। अगर आप मॉर्निंग के क्लासेस 7-8 अटेंड नहीं कर सकते तो उनके यूट्यूब के रिकॉर्डिंग सेशन होते हैं, उनके बाद सेव रहता है,
वो एटलीस्ट आप देखना रेगुलरली शुरू करिए। गिव गीता बहुत अच्छा चैनल है यूट्यूब का, जो पूरा डिटेल से आपको समझाएगा। राइट, एक बार आप समझिए, एनालाइज करिए। और दोस्तों, ये बातें केवल शास्त्रों में हैं ऐसा नहीं है, ये मैनेजमेंट में भी फॉलो की जाती है। राइट, और मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल देना चाहूँगा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का। राइट, एक ज़माना था जब ऑस्ट्रेलिया की टीम क्रिकेट में बहुत ही फेमस थी, और हालांकि आज भी अच्छा ही खेलते हैं, लेकिन पहले बहुत ही स्ट्रांग हुआ करते थे, और टेस्ट में तो वो इतने स्ट्रांग थे कि कोई उनको हरा भी नहीं पाता था। तो देर वॉज अ वेरी गुड प्लेयर, राइट, जो डोमेस्टिक बहुत अच्छा खेलते थे, वो थे ब्रेड हॉज। राइट, अब ये हॉज जो थे वो डोमेस्टिक में इतना अच्छा परफॉर्मेंस किए और वो डिजर्व प्लेस करते थे, लेकिन सिलेक्शन टीम ने उनको सिलेक्ट ही नहीं किया। राइट, सिलेक्शन टीम उनको सिलेक्ट करना चाहती थी, दे वॉन्ट टू सिलेक्ट हिम, लेकिन वो सिलेक्ट ही नहीं हो पाए बेचारे। क्यों? राइट, वो इसलिए क्योंकि सिलेक्टर एक बार देखना चाहते थे कि आदमी कैसे फेल होता है और उसमें से कैसे बाउंस बैक होता है। राइट, लेकिन ब्रेड हॉज डोमेस्टिक में फेल ही नहीं हो पाए, वो परफॉर्मेंस अच्छा करते गए, इस तरीके से सिलेक्शन ऑस्ट्रेलिया की बोर्ड नहीं करती थी उस टाइम पे। राइट, दे वॉन्ट टू सी अ प्लेयर डाउनफॉल। राइट, एक बार उनका परफॉर्मेंस गिरे, उनके वो कम बैक किस तरीके से होता है, वो माइंडसेट उनको टेस्ट करना था, जो हॉज ने कभी नहीं करने दिया। राइट, इसलिए उनका सिलेक्शन बहुत लेट हुआ, और इनफैक्ट उनको प्रॉपर मैचेस ही नहीं मिल पाए, उसका रीज़न ही यही था। दोस्तों, आप इतना सोचिए कि आप में और जानवर में फ़र्क क्या है। वो सब जानवर सब कुछ करते हैं, वहाँ पर भी खाना होता है, पीना होता है, सब कुछ होता है। राइट, तो आप समझिए कि आप जानवर से क्या डिफरेंट कर रहे हो। उनकी भी, जानवर की भी फैमिली होती है। राइट, अब ये चीज़ समझिए, आपको मनुष्य अवतार मिला है, इसको फोकट में मत जाने दीजिए। बड़े से बड़े देवी देवताओं मनुष्य अवतार चाहते हैं। राइट, ध्यान से सुनिएगा, बड़े बड़े देवी देवताओं जिनके पास बहुत अच्छी शक्तियां हैं, राइट, इनफैक्ट स्वर्ग लोक में लेने वाले लोग भी, राइट, मनुष्य अवतार चाहते हैं। क्यों क्यों मनुष्य अवतार चाहते हैं? क्योंकि नथिंग इज परमानेंट। राइट, आप मानो या ना मानो, आपको शास्त्र की बात माननी पड़ेगी, लेकिन मरना तो सभी को है। ये केवल हमारे लिए नहीं है भाई, हमको मरना है ऐसी बात नहीं है। बड़े से बड़े लोग, ब्रह्मा जी जिनकी लोग पूजा करते हैं, ही इज ऑल्सो गोइंग टू डाई, मर जाएंगे। राइट, शास्त्र क्लियर बताते हैं, कोई परमानेंट नहीं है। राइट, परमानेंट कौन है? कृष्णा। राइट, अभी वाई पीपल आर टारगेटिंग कृष्ण धाम? कृष्ण धाम को टारगेट क्यों किया जा रहा है कि वहीं पर हमको रहना है? राइट, वही हमारा अल्टीमेट गोल है, क्यों? अब ये दोस्तों मैं आपको समझाता हूं। मुझे काफी लोग पूछते हैं कि वैकुंठ धाम के क्या पावर्स है, क्या चीज है। अब जरा इनकी झलक देखिएगा। हिरण्यकशिपु, शायद आपने नाम सुना होगा, वरना इंटरनेट रिसर्च कर लीजिएगा। आज के टाइम में तो विकिपीडिया सोर्सेस, सारे शास्त्र प्रमाण सब कुछ अवेलेबल होता है। राइट, अब थोड़ा रिसर्च करिएगा कि हिरण्यकशिपु कौन थे। वो थे वैकुंठ धाम के वॉचमैन। राइट, वॉचमैन थे वो, और उन्होंने दुनिया में आके क्या मचाया, क्या किया? राइट, पूरे दुनिया क्या, ये हिरण्यकशिपु का केवल दुनिया में नहीं, पर कि स्वर्ग लोग और नरक में भी कंट्रोल था। राइट, दुनिया की बात तो छोड़िए, दुनिया को तो कंट्रोल में किया ही था उन्होंने। राइट, राजा थे, लेकिन स्वर्ग को भी नहीं छोड़ा। और ये सब बात तो आप दूर रख दीजिए, जो देवी देवता है जिनकी आज की डेट में भी लोग खूब पूजा करते हैं, अच्छी बातें करनी चाहिए। राइट, लेकिन कृष्ण जी को भूलना नहीं चाहिए। ये जो देवी देवता है, राइट, ये किसी को भी नहीं छोड़ा था। हिरण्यकशिपु ने किसी को भी नहीं छोड़ा था। आप इतना समझिए,
कि वो व्यक्ति ने जब उनको प्यास लगती है या उनको ऐसा लगता है कि भाई मुझे बारिश लानी है तो सीधे वरुण जी को कहते थे भाई बारिश लाओ यार मेरे एरिया में बारिश करो, और बारिश हो जाती थी। उनको एसी की ज़रूरत ही नहीं थी भाई, एसी की ज़रूरत उनको होती है जहाँ पर गर्मी पड़ती है। उन वो तो एनवायरमेंट अपने कंट्रोल में रखते थे, पवन उनके कंट्रोल में था, राइट, अग्नि उनके कंट्रोल में थी, सूर्य देव भी उनके कंट्रोल में थे, जैसा कहे वैसा होता था, राइट। और लोग यमराज से डरते हैं, राइट, लोग यमराज से काफ़ी डरते हैं, लोग यमराज से खूब डरते हैं, लेकिन यमराज स्वयं खुद हिरण्यकशिपु से डरते थे, हिरण्यकशिपु के पास भी नहीं जाते थे वो, और यमराज भी उसको लेने नहीं जाते थे कि भाई नहीं भाई ये तो पीट देगा यमराज और सबके लोगों को कोई, अरे देवी देवता सब लोग स्वर्ग छोड़ के चले गए, इंद्र ने सिंहासन छोड़ दिया भाई स्वर्ग में आप कंट्रोल कर लो, ऐसे खतरनाक लोग थे। और ये हिरण्यकशिपु कौन था, वैकुंठ धाम का कौन, वॉचमैन, राइट। तो आप जब समझिए कि वैकुंठ धाम में अगर आप पहुंचे तो आपकी शक्ति का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, राइट, कि आप क्या होंगे, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, राइट। जब हम हमारे गुरुजी से पूछते कि गुरुजी वैकुंठ धाम के बारे में बताइए, हम जब वृंदावन चरणदास जी से पूछते हैं, गिव गीता से पूछते हैं, सिर्फ इतना बताते हैं अरे सिंपल है, चाहो जाके देख लो, राइट। वैकुंठ धाम के अलावा और भी धाम है जो कृष्णा के कंट्रोल में, इनफैक्ट ये कोई सिटी नहीं है, छोटे छोटे या टाउन नहीं है, पूरे प्लैनेटरी सिस्टम है, प्लैनेट है, राइट। इसमें गोलोक वृंदावन सबसे बेस्ट माना जाता है जहाँ पर कृष्ण भगवान स्वयं रहते हैं, हालांकि उनके हर धाम में वो होते ही है, एट द सेम टाइम ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर ही कैन बी, और वहाँ पर ये सूर्य और इस तरीके का नहीं होता, कृष्ण भगवान खुद एक एनर्जी जनरेट करते हैं, वहाँ की लाइफ एकदम अलग है। अब हर शास्त्र देखिए, हर शास्त्र मानते हैं कि देर इज़ अ लाइफ आफ्टर डेथ, राइट, ये चीज़ को सब मानते हैं सब। तो आप ये समझिए कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वैकुंठ धाम जाना, कृष्ण धाम जाना, राइट, ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, गोलोक वृंदावन जाना। अब कौन जा पाएगा वहाँ पर, कौन जा पाएगा, इसके लिए क्या आपको बहुत बड़ी पूजा तपस्या करनी पड़ेगी, इसकी एक स्टोरी है, राइट। एक ब्राह्मण थे जो बहुत पूजा और नाम जप करते थे, तो नारद मुनि जो है वो वहाँ से गुजर रहे थे, तो ब्राह्मण जी ने देख लिया कि अरे ये तो नारद मुनि जी, अब नारद मुनि हैज़ गॉट दी एबिलिटी टू रोम एवरीवेयर, राइट, वो अलग अलग जगह पे घूमते रहते हैं, तो उन्होंने उनको पहचान लिया, अरे नारद मुनि जी आप वैकुंठ धाम जा रहे हो, उन्हें कहा हाँ मैं कृष्ण धाम जा रहा हूँ, आपको बताइए। ब्राह्मण जी ने कहा कि बस मेरी आपसे नारद मुनि जी इतनी विनंती है कि आप बस कृष्ण जी से पूछ लीजिए कि मैं कब आपके धाम आ रहा हूँ, प्लीज़ आप ये पूछ लीजिए। नारद मुनि जी ने कहा ठीक है ब्राह्मण जी, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा आके कि कृष्ण जी को पूछूँगा आपके बारे में कि आप कब वहाँ पर पहुँचोगे। और जब वो आगे बढ़ रहे थे तो एक उनको मोची भी मिल गया, राइट, मोची शू कॉबलर होता है ना, राइट, वो बेचारा अपना वर्क कर रहा था, वो जापता और नहीं कर रहा था वो, राइट, काम कर रहा था अपना। उन्होंने भी नारद मुनि जी को देख लिया, पहचान लिया, उन्होंने कहा अरे नारद मुनि जी, राइट, अरे अब कहाँ बात हुई, और उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप कृष्ण धाम पर जा रहे हैं, कृष्णा जी के पास जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप ज़रा पूछिएगा कि मैं कब पहुँच पाऊँगा, मैं भी बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ कि मुझे भी वैकुंठ धाम पहुँचना है, राइट, मुझे भी परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, राइट, क्योंकि वहाँ से फिर लोग मरते नहीं हैं, ये बिगेस्ट बेनिफिट है। अब जो स्थिति है, राइट, वहाँ पर नारद मुनि जी गए और उनकी कृष्ण जी से बात हुई, और उन्होंने बताया कि देखिए जब मैं कृष्ण जी आपसे आपके पास आ रहा था तो दो लोग मुझे बीच में मिले रास्ते में, एक ब्राह्मण था और एक कॉबलर था, और उन्होंने पूछा कि कब हम वैकुंठ धाम पहुँचेंगे, तो कृष्ण जी ने कहा अरे वो कॉबलर है ना, वो तो इस जन्म के बाद तुरंत पहुँच ही जाएगा, वो तो वैकुंठ धाम आ ही रहा है। और नारद मुनि ने पूछा आपकी वो ब्राह्मण जो है वो उसका, तो कृष्ण जी ने बताया कि यार ये ब्राह्मण का तो पता नहीं कब पहुंच पाएगा, जन्मों जन्मों लग जाए पता नहीं यार, उसका कोई ठिकाना नहीं।
नारद मुनि जी शौक हो गए, अरे बेचारा ब्राह्मण जो है वो जप कर रहा है, भगवान के नाम आराधना करना है कर रहा है, उसको कृष्णा जी आप ऐसे कह रहे हो, और वो कॉबलर है, उन्होंने कोई नाम जप नहीं किया, राइट, शू को ठीक कर रहा है, जूते चप्पल जो है वो ठीक कर रहा है, राइट, ऐसे लोगों को मतलब आपने वैंकुट धाम दे रहे हो, तो ये क्यों, मैं आप मुझे समझाइए कि क्यों कॉबलर को यहाँ पर मोची को आपने बुला रहे हो, और ये ब्राह्मण आपके पास क्यों नहीं आ रहा है, क्यों ये इसमें क्या है, मुझे ज़रा बताइए। नारद मुनि जी समझना चाहते थे कि ऐसा क्यों कर रहे कृष्णा जी। तो कृष्णा जी ने नारद मुनि जी से कहा कि इसका जवाब तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। वो कैसे? तो कृष्णा जी ने कहा नारद मुनि जी से कि जब आप वापिस जाओ उनके पास, तो दोनों को ऐसा बताना कि मैं यहाँ पर जो सुई होती है ना, सुई, राइट, नीडल, सुई में हाथी डाल रहा हूँ, राइट। अब सुई में दोरा डाला जाता है, राइट, लेकिन यहाँ पर कृष्ण जी ने कहा कि उनको बताना कि मैं सुई जो होती है ना उसमें हाथी डाल रहा हूँ, राइट। तो नारद जी ने कहा ठीक है, और कृष्ण जी ने कहा कि दोनों में से किसी को मत बताना, राइट, कि वैकुंठ धाम कौन आ रहा है कौन नहीं, लेकिन सिर्फ इतना बता देना कि कृष्णा जी ये काम कर रहे थे, ठीक है, अब तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो नारद मुनि जी के ठीक है मैं बता देता हूँ, और वो वहाँ से निकले। तो पहले ब्राह्मण के पास गए, और ब्राह्मण ने कहा अरे आप कृष्णा जी से मिले, राइट, क्या बता रहे कृष्णा जी मेरे बारे में, अब मैं कब पहुँचूँगा, राइट, उन कृष्ण धाम में, जरा बताइए। तो नारद जी ने कहा कि देखिए आपके बारे में कृष्ण जी ने ये तो नहीं बताया कि कब आप पहुंच पाओगे, लेकिन कृष्ण जी जो थे वो अपने काम में व्यस्त थे। तो उन्होंने कहा कि क्या काम कर रहे थे जरा बताइए। तो नारद जी ने कहा कि देखिए उसमें सुई है ना, उसमें वो हाथी डाल रहे थे। तो ये सीधा सुन के ब्राह्मण का दिमाग जो है वो हिल गया, और उन्होंने कहा कि अरे क्या बकवास आप कर रहे हैं, ऐसा कृष्णा जी के पास फोकट का समय नहीं है, कृष्णा जी जो है ऐसा क्यों करेंगे, अरे कोई सुई में थोड़ी हाथी डाल सकता है, राइट, अरे ऐसा काम कोई करेगा क्या, आप मेरा समय वेस्ट मत कीजिए, मुझे जाप करने दीजिए, मुझे भगवान का नाम लेने दीजिए, अरे ऐसा भगवान कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं होगा, आप मुझे गलत कह रहे हैं, ये वगैरह वो। नारद जी ने सुन लिया सब, वहां से चले गए। अब शू कॉबलर से मिले। शू कॉबलर जो है उन्होंने भी पूछा कि अरे कृष्णा जी से आपने बात की, मैं कब पहुंच रहा हूँ वैकुंठ धाम, राइट, मैं कृष्ण धाम कब पहुंच रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखिए कृष्णा जी ने ये तो नहीं बताया है, लेकिन कृष्णा जी जो थे अपने काम में थोड़े व्यस्त थे। तो शू कॉबलर ने भी पूछा कि क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या काम कर रहे थे कृष्णा जी। तो उन्होंने कहा कि कृष्णा जी जो है वो सुई में हाथी परो रहे थे। वो सीधा सुन के शू कॉबलर जो है वो सीधा बोलने लगा, अरे वाह क्या कृष्णा जी की लीला है, क्या कृष्णा जी का बात है, क्या 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 कहने, ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन केवल कृष्णा जी ही कर सकते हैं, राइट। तो ये क्या था, नारद जी ने क्लियरली ये समझ लिया कि देखिए ये शू कॉबलर है, उसको अटूट विश्वास है कृष्णा जी के ऊपर, राइट, कि कृष्णा जी कैन डू एनीथिंग, राइट, विच ही वांट्स एट एनी टाइम, ही हैज गॉट द एबिलिटी। लेकिन और उनको ब्राह्मण का नेचर भी पता चल गया कि यार ब्राह्मण जी ने क्या कहा, राइट। सो इस स्टोरी में से, ये शास्त्र की स्टोरी में से आप क्या समझ सकते हो, ये शास्त्र की स्टोरी में से हमको भगवान ये समझाना चाह रहे हैं कि यू शुड बी हैविंग द फेथ। आप चाहे जितना भी जाप कर लो, आप चाहे जितना भी, राइट, चीज़ों को त्याग कर दो, आप भगवान से प्रेम डेवलप नहीं कर रहे हो, सब बेकार है, राइट। भगवान के धाम पे वो पहुँचते हैं जिसको पूरा फेथ है भगवान के ऊपर। देखिए कृष्ण जी को सबसे प्रिय कौन है, उनके भक्त, और भक्त ही कृष्ण को जान सकता है, ये भी शास्त्र क्लियर बताते हैं, और कोई नहीं। क्योंकि आप भक्त जब बनोगे तो आप एक्सपीरियंस करोगे तो फेथ आएगा, राइट, ये ऑटोमेटिक चीज़ है, ये कोई पढ़ के ब्लाइंडली फॉलो करने की बात नहीं है, डू द एक्सपीरियंस, कृष्णा जी कह रहे हैं, एंड देन बिल्ड द फेथ, रिजल्ट लीजिए फिर फेथ डेवलप करिए, ये चीज़ कृष्णा जी बताते हैं, राइट। अटूट विश्वास उनके भक्त का होता है, राइट, भक्त जो करता है वो उसका फेथ बिल्डअप होता है।
अब जब भी हिरण्यकशिपु का वध करना था और वध जब भगवान ने किया, क्योंकि उनके पाप बहुत बढ़ गए थे, उनके उनके श्राप थे एक्चुअली, जो जब वो वॉचमैन थे कृष्णा जी के, तो उनको कुछ भक्त लोगों ने श्राप दिया था, क्योंकि उन लोग क्योंकि जब कृष्णा जी सो रहे थे तब ये वॉचमैन साहब ने उनको एंटर नहीं करने दिया था उनके धाम में, कुछ लोगों को जो भक्त थे, राइट, तो उनके कारण श्राप लगा और उनको दुनिया में आना पड़ा और ये सारी स्थिति हुई। ज़्यादा तो आप वेदा जब पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें क्लियर होगी, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ क्रश बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर समझने की बात क्या है कि कृष्ण जी को सबसे प्रिय उनके भक्त हैं। अब ये कैसे समझिए, तो जब उन्होंने हिरण्यकशिपु जी का वध किया तभी उनके क्रोध को शांत रखने के लिए कोई नहीं आया था आगे, कोई देवी देवता का हिम्मत नहीं था, राइट, कि कृष्ण जी के नज़दीक भी पहुंचे। एवरीबडी वर इन फियर, बहुत ही हिम्मत जुटा के गणेश जी एग्री हुए और गणेश जी आगे आए कि चलो मैं कृष्ण जी को मनाता हूँ। लेकिन थोड़े ही आगे पहुँचे, थोड़े समीप पहुँचे, उसमें तो गणेश जी और उनका वाहन, राइट, दोनों ही उड़ पड़े और गिर पड़े, राइट। अंत में कौन गया, उनका भक्त प्रहलाद। प्रहलाद जी जब कृष्ण जी के पास गए, नरसी अवतार था उस वक्त उनका, सीधा गले लगा लिए, राइट, उनको सबसे प्रिय भक्त है, अन्य देवी देवताओं से भी बेहतर भक्त हैं। क्यों अन्य देवी देवता का स्थिति बेस्ट नहीं माना गया है, क्योंकि वो भी मरने वाले हैं, जैसे आप मरने वाले हो, उनका भी अंत है, सिर्फ आपका फर्क इतना है कि आप जो है वो 50-100 साल बाद मरेंगे, वो जो है वो लाखों करोड़ों के साल बाद मरेंगे, मरना तो है। और दोस्तों ये समय यूं चला जाता है, राइट, आप समझिए कि आप देखिए पिछले 10 साल क्यों निकल गए आपके, कैसे निकल गए, वैसे लाखों करोड़ों साल भी निकल जाते हैं, मरना सबको है, फिर मरने के। इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि आप अपना समय वेस्ट मत करिए, वेदा को पढ़िए, जानिए, राइट, और देखिए कि क्या चीज़ बेस्ट है, राइट। वेदास में से सभी चीज़ का ग्रहण नहीं किया जा सकता और करना भी नहीं चाहिए। भगवद गीता में ही लिखा है कि डोंट अट्रैक्ट टूवर्ड्स द फ्लावरी वर्ड्स ऑफ वेदास, राइट, फ्लावरी चीज़ काफ़ी है वेदास में, लेकिन वो चीज़ आपको अट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए। जो बेस्ट चीज़ है वहाँ पर आप जाइए, परमानेंट चीज़ को आप देखिए, दैट इज़ द थिंग विच यू शुड बी एबल टू अचीव। इसलिए आप गिव गौरांग इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक एजुकेशन, गिव गीता, राइट, उस यूट्यूब में आप सर्च कीजिएगा, बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं, आप देखिएगा, सारे वीडियोज़ फ्री हैं, राइट, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। थोड़ा ज्ञान लीजिए, वेदा को पढ़िए, जानिए, समझिए, राइट, अपने जीवन को वेस्ट मत करिए, अपने लाइफ को वेस्ट मत कीजिए, अमूल्य जीवन आपको मिला है, उसका सार्थक उपयोग कीजिए, राइट, कृष्ण भक्ति में लगाइए, बेनिफिट लीजिए, लोगों को बेनिफिट दीजिए, शेयर करिए इस चीज़ को। प्रहलाद ने किया था, प्रहलाद जी ने किया था, उनके पास अटूट विश्वास था, जबकि उनके पिताजी को पूरी दुनिया भगवान मानती थी, सारे देवी देवता उनके अंडर में काम किए, लाखों वर्ष उनके अंडर सब लोगों ने काम किए, सूर्य देवता सहित, राइट, पूरी दुनिया उनके उनके चरणों में स्पर्श करती थी। तब उनका बेटा जो है, उन्होंने कहा कि आप भगवान नहीं हैं, आप भले ही मेरे पिता हैं, आप श्रेष्ठ हैं मेरे पिता के स्तर पे, लेकिन भगवान कृष्णा है। और उन्होंने ये चीज़, इतना फेथ था दोस्तों, फेथ आज हम थोड़ा बहुत बिल्डअप कर ले, बड़ी बात नहीं है। प्रहलाद के पिताजी जो थे, जिसके पिताजी को दुनिया भगवान मानी, राइट, वो उन्होंने उनके पिताजी को एक्सेप्ट नहीं किया, कृष्ण जी को श्रेष्ठ माना, शास्त्र के अनुसार उनको श्रेष्ठ माना, राइट, और ये चीज़ जो है उन्होंने करके बताई, राइट, और एट द एंड ऑफ द डे साबित हो गया कि कृष्ण जी ही सबसे श्रेष्ठ है, राइट। तो ये चीज़ दोस्तों आप समझिए, प्रहलाद जी में से सीखिए, भक्त प्रहलाद में से सीखिए, छोटे बच्चे में से सीखिए, वो काफ़ी आपको बड़ा से बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, राइट। और हिरण्यकशिपु के जो मंदिर प्रूफ, महल, आपको सारे जो हिस्टोरिकल प्रूफ है, सारी चीज़ें हैं, राइट, उनके रेफरेंसेस अब सब जगह आपको मिल जाएगा, पूरी दुनिया मानती है, हर रिलीजन के लोग मानते हैं कि राइट हिरण्यकशिपु कौन है, क्या रहता था, सबको पता है उनके बारे में, राइट, उनकी एनर्जी ताकत के बारे में, राइट। तो बट डोंट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दोस फ्लावरी थिंग्स, राइट, ऐसी फ्लावरी थिंग अट्रैक्ट करके कुछ नहीं मिलता एट द एंड ऑफ द डे।
टारगेट द बेस्ट थिंग राइट, वैंकुंठ धाम इन और गोलोक वृंदावन, मोक्ष की प्राप्ति सबसे अमूल्य चीज़ है दोस्तों, इसके लिए हमको काम करना चाहिए, वर्क करना चाहिए। सो खास करके कृष्णा जी के बारे में बात कर रहा हूँ, अन्य के बारे में मुझे इतना पता नहीं, लेकिन क्लियर ये बात है कि कृष्णा जी कभी आपकी परीक्षा नहीं लेते। क्यों लेंगे परीक्षा वो आपकी, जबकि वो आपको जानते हैं, आपके मन को पढ़ सकते हैं, ही नोज यू वेरी वेल राइट। तो क्यों लेंगे परीक्षा आपकी, कृष्णा जी कभी परीक्षा लेते ही नहीं है, परीक्षा माया लेती है। तो परीक्षा माया लेती है, ये बात क्लियर है। मैं विवेक बिंद्रा जी को ऑनेस्ट सजेशन देना चाहता हूँ, हालांकि विवेक बिंद्रा जी अच्छा काम कर रहे हैं, काफी लोग उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी मैं ऐसा मानता हूँ कि उनको काफी ऐसा काम करना चाहिए जिससे उनकी कम्युनिटी और स्ट्रांग हो और उनकी कम्युनिटी को अच्छा रिजल्ट मिल पाए। बोल देते हैं कि हमने वृंदावन चंद्रदास जी से सीखा गीता, जैसे आपको बड़ा फेमस व्यक्ति है आज विवेक बिंद्रा, उसको भगवान ने मेरे थ्रू लाया था भक्ति के अंदर, उसको ABCD नहीं पता थी, परंतु आज दुख होता है कि भगवद गीता की जगह क्या बन गया, मोटिवेशनल गुरु बन गया। हाँ कभी मिलो बोल देना, मेरा नाम ले देना। गया था अटेंड करने के लिए बंबई के अंदर, तो बोल दिया कि मैं तो वृंदावन चंद्रदास जी को, तो शर्म आ गया, शर्म तो आनी चाहिए। प्रभुपाद जी ने हमें कहा था कि कुछ जगह ऐसी होनी चाहिए जहां शुद्ध चीज मिले। ITI बहुत जरूरी है प्रभु जी, परंतु IIT भी जरूरी है। तो मैं आप सबसे बड़ा, मैं मुंह फट हूं, मैं सीधा कहता हूं, अगर आपको परम लक्ष्य प्राप्त करना है तब तो मेरे साथ आया करो, नहीं तो टाइम वेस्ट मत करो। मैं आपको वो देना चाहता हूं जो हमारी चैतन्य महाप्रभु हमें देना चाहते थे, कृष्ण प्रेम। क्या देना चाहते थे प्रभु जी? कृष्ण प्रेम देना चाहते। विवेक बिंद्रा जी के नेगेटिविटी को बताने के लिए नहीं है यहां पर, मैं बात ना तो पक्ष की करूंगा ना विपक्ष की करूंगा, बात करूंगा निष्पक्ष कि क्या है मिसिंग एलिमेंट्स। सबसे पहला, इन्होंने जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या होना चाहिए, उसकी क्लैरिटी नहीं दी है। यहां पर मैं जरूर मानता हूं कि विवेक बिंद्रा जी क्योंकि इस्कॉन में थे तो उनको पता होगा कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। जीवन का लक्ष्य जो है वो हमारा है, प्रभुपाद जी कहते थे बैक टू गॉड हेड, यानी कि भगवान के पास वापस जाना राइट। तो वो है वैकुंठ धाम, यहां पर हमको जाना है, ये हमारा अल्टीमेटली लक्ष्य होना चाहिए। और ये लक्ष्य हम तब प्राप्त कर सकते हैं जब मेनली कृष्ण जी से प्रेम हो, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली हमारा जन्म मृत्यु का साइकिल चलता रहता है, उसमें से मोक्ष नहीं मिल पाता। तो मोक्ष की प्राप्ति हमको तब होती है जब हम वैकुंठ धाम में पहुंचते हैं। अब ये वैकुंठ धाम आपको शायद अनसाइंटिफिक या अनरियल लगेगा, सिर्फ दोस्तों आपके माइंड में आप केवल इतना रखिए कि आपको वैकुंठ धाम इसलिए जाना है क्योंकि आपको वहां पर परमानेंट हैप्पीनेस मिल सकता है। अब चलिए वैकुंठ धाम भी भूल जाएं, सिर्फ आप इतना माइंड में रखिए कि आपको परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, क्योंकि अभी जो आपको खुशी मिल रहा है वो खुशी मिल रहा है, फिर दुख भी आ रहा है, फिर खुशी आ रहा है, फिर दुख आ रहा है, वो एक्चुअली हैप्पीनेस नहीं है, उसको शायद आप प्लेजर कह सकते हो। लेकिन यहां पर मैं परमानेंट हैप्पीनेस जो आनंद का स्टेज है वो कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं वो मैं आपको लॉजिकली साइंटिफिकली बताऊंगा, ताकि आपको वैकुंठ धाम का वैल्यू समझ में आए। चाहे आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हो, किसी भी धर्म ने ये नहीं कहा कि ये सृष्टि दुनिया जो है वो बेस्ट है और यहीं पर हमको रहना चाहिए। नो डाउट हम बताते हैं कि ये दुनिया अच्छी है, यहां से आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यही दुनिया में रहो। आपको अल्टीमेटली वैकुंठ धाम की तरफ प्रोग्रेस करना पड़ेगा, या आप जो भी धर्म फॉलो करते हो, कोई भी धर्म, मेजर रिलीजन ये नहीं कह रहा है कि आपको यहां पर रहना है। हर रिलीजन अपनी डेफिनेशंस के हिसाब से बताते हैं कि ये आपके स्पिरिचुअल धाम में जाना है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन नहीं है राइट। तो विवेक बिंद्रा जी को खास करके जैसे वो बिजनेस फ्रेमवर्क्स देते हैं, वैसे उनको स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन का भी एक फ्रेमवर्क देना चाहिए कि कैसे एक आदमी मोक्ष अचीव कर सकता है, और यही अल्टीमेटली उनका गोल है, इसमें ही उनको आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि विवेक बिंद्रा जी काफी बताते हैं
कि आप अपने बिजनेस को स्केल करो ताकि आपका बिजनेस ऑटोमेशन में चले और आप वृंदावन में चैंटिंग कर सको। लेकिन प्रॉपर फ्रेमवर्क लोगों के पास नहीं है कि क्या उनको करना चाहिए। तो फ्रेमवर्क जानने के लिए चैतन्य चरितामृत को फॉलो करना चाहिए। ये भी विवेक बिंद्रा जी जानते होंगे कि इसमें चीजें प्रैक्टिकली बताई गई है कि यहाँ पर आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको जीवन में केवल कृष्णा जी जोड़ में है। आप अपने घर में रह सकते हो, फैमिली के साथ रह सकते हो और फिर भी आप जो है वैकुंठ धाम कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम को अचीव कर सकते हो। तो ये चैतन्य चरितामृत में अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया हुआ है और ये सारी चीजें आप अचीव कर सकते हैं बाय चैंटिंग। और ये विवेक बिंद्रा जी आपको शायद बताते भी है और ये जानते भी है। और महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको ज्यादा फैलाना चाहिए क्योंकि दोस्तों मैंने खुद में मेरा एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। तकरीबन सालों से ये चैंटिंग शुरू किया है और तकरीबन 1-1.5 साल पहले मैंने ऑनियन गार्लिक खाना बिल्कुल छोड़ दिया। ये मैं कहूंगा कि ऑनियन गार्लिक मैंने खाना छोड़ा नहीं था लेकिन ऑटोमेटिकली छूट गया। राइट, जब आप ये चैंटिंग आपका बढ़ाओगे, रोज का 16 माला करोगे, ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में आप बदलाव देखते जाओगे। किसी ने सब प्रेशराइज नहीं किया कि आपको ऑनियन गार्लिक नहीं खाना चाहिए लेकिन ऑटोमेटिकली छूट गया। डिजिटल एक माला भी रहती है जहां पर मैं कोशिश करता हूं कि एटलीस्ट 16 माला इन अ डे में कंप्लीट कर पाऊं। काफी फायदा मिला हुआ है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि जो भी मैंने अचीव किया है मैं ये कह सकता हूं कि मंत्र की हेल्प से अचीव किया हुआ है। दोस्तों शायद आपको यहां पर बातें अनसाइंटिफिक लगेगी या इलॉजिकल लगेगी तो आपको लॉजिकली भी एक्सप्लेनेशन मुझे देना बनता है, पता नहीं बहुत जरूरी है। यहां पर गोल हो सकता है कि आपको सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है। इसके लिए आप पूर्ण एफर्ट डालोगे, आप वो डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे जो आपको सक्सेस दिला पाए। इसके लिए आप जो है एफर्ट्स करोगे, आप स्टडी करोगे, आप वर्क करोगे, राइट, आप इसके रिलेटेड और नई नई चीजें जानोगे और इसमें वर्क करोगे। और आपको फ्रूट क्या मिलेगा? फ्रूट आपको मिलेगा गुड लाइफ, ठीक है, जो आप चाहते हो। तो यहां पर एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, आपके लाइफ में गोल फ्रूट और एफर्ट्स डिफरेंट हो जाते हैं। उसके भी आपके स्पेसिफिक टारगेट हो सकते हैं, राइट, कि मुझे इतना कमाना है, वो कमाना है, उसके अलग अलग डिफाइंड गोल्स लोग रखते हैं। फिर स्टडी और वर्क जो है वो आप करते हो, दैट इज दी ऑल्सो अन डिफरेंट थिंग, इसके लिए आप वर्क करते हो। और गुड लाइफ जो मिलती है, राइट, वो भी आपकी एक फ्यूचरिस्टिक चीज है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है, इसके कारण आप प्रेजेंट में जी नहीं पाते और जब आप प्रेजेंट में जी नहीं पाते तो आपको कभी परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिलती क्योंकि आपका गोल एफर्ट और फ्रूट ये अलग अलग है। तो अगर आपको परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, अगर आपको परमानेंट खुशी चाहिए तो आपको करना यह है कि आपको गोल जो है और आपके एफर्ट्स जो हैं और आपके फ्रूट जो है, राइट, इसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। जब तक इसमें तफावत है, इसमें डिफरेंसेस आते रहेंगे तो आपको कभी परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। जब आप गोल फ्रूट और एफर्ट एक ही सेट करें, यहां पर कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, ये साफ हमारे शास्त्र बताते हैं। फ्रूट क्या होना चाहिए? कृष्ण भक्ति, आपका एफर्ट जो है वो कृष्ण भक्ति, और आपका फ्रूट जो है वो भी होना चाहिए कृष्ण भक्ति, राइट। तो यहां पर आप देखिए, जो आदमी भक्ति करता है और उसमें जब आप वो आगे बढ़ता है तो उसका गोल है वही फ्रूट है वही एफर्ट है और यही चीज हमको मिलती है वैकुंठ धाम में, राइट। तो वैकुंठ धाम को पता नहीं लोगों ने क्या क्या अलग अलग डेफिनेशन दी है कि वैकुंठ धाम में ये है, वो है, ये बेनिफिट है। हमारे तो गुरु आते हैं, जब उनको लोग पूछते हैं कि वैकुंठ धाम में क्या है तो बताते हैं कि खुद ही जाके देख लो, क्योंकि अगर वो बताएंगे आपको कि वैकुंठ धाम में केवल कृष्ण भक्ति है और कोई कृष्ण भक्ति मिलेगी, कृष्ण भक्ति करनी है, कृष्ण और वहां पर कृष्ण जी है और भक्ति है, उसके अलावा आपको कुछ लेना देना नहीं है, राइट, और यही अल्टीमेटली आनंद है, तो शायद आप कभी समझ नहीं पाओगे क्योंकि आपने अपनी खुशी जो है वो दूसरे चीजों से जोड़ ली है कि मेरे घर में एसी होगा या मेरे पास गाड़ी होगी तो मैं हैप्पी रहूंगा, लेकिन आपको परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिलता है। परमानेंट हैप्पीनेस के लिए आपको कृष्ण भक्ति की तरफ आना पड़ेगा और ये मैं चाहता हूं कि विवेक बिंद्रा जी बताएं वो लोगों को केवल फाइनेंशियल अवेयरनेस ना दे, वो कृष्ण भक्ति के बारे में बताएं क्योंकि वो खुद उससे जुड़े हुए हैं। अगर ये नहीं बताएंगे तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वो मिस कर देंगे जहां पर वो अपने नेटवर्क को कृष्ण भक्ति की तरफ प्योरली आगे ले जा सकते हैं। चैप्टर 18 है, ये देखिए विवेक बिंद्रा जी, चैप्टर 18 है और टेक्स्ट 66 है और उसमें आप चेक कर सकते हैं, ये चेक करिए पूरा।
वन मे परफॉर्म अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशनल ड्यूटी अकॉर्डिंग टू हिज पोजिशन इन द सोशल ऑर्डर बट इफ बाई एग्जीक्यूटिंग हिज ड्यूटी वन डज नॉट कम टू द पॉइंट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस ऑल हिज एक्टिविटीज आर इन वेन. यानी कि आप जो है या आपके फॉलोवर है अगर आप फाइनली एट द एंड पॉइंट ऑफ कृष्ण भक्ति की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हो राइट आप अपनी ड्यूटी करो कोई इश्यू नहीं है आप जो ट्रेनिंग दे रहे हो आप जो वर्क कर रहे हो बहुत अच्छा लेकिन एक फाइनल अल्टीमेट गोल एक लक्ष्य है लोगों का वो कृष्ण भक्ति हो जब आपके दिल में प्रेम डेवलप हो ठीक है तो आपको अल्टीमेटली करना यह है कि आपको प्रेम डेवलप करवाना है लोगों को आपके पास बड़ी कम्युनिटी है काफी लोगों को फायदा होगा अगर ये चीज समझे और ये अप्लाई करे और आप ये चीज टू बी ऑनेस्ट दिल से बता सकते हैं इसमें कोई इश्यू का बात नहीं है तो आप ये चीज लोगों को बताएं कि कृष्ण प्रेम ही है जो हमको अल्टीमेटली अक्वायर करना है. इनफैक्ट कृष्ण जी हमसे प्रेम करते ही हैं लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम कितना प्रेम करते हैं और हम उनको कितना चाहते हैं. और दैट इज द अल्टीमेट फाइनल सॉल्यूशन फॉर द परमानेंट हैप्पीनेस कॉन्फिडेंशियल नॉलेज के बारे में जो भगवद गीता में बताया गया है क्यों आए हैं. अगर कृष्ण धाम में सब कुछ अच्छा है परमानेंट हैप्पीनेस है तो हमको यहाँ पर आने की जरूरत क्यों पड़ी. अब हम वापिस घर जाने की बात कर रहे हैं. मैं आपको ये नहीं बता सकता कि गुलाब जामुन का टेस्ट कैसा होता है तो एक्चुअल कब पता चलेगा जब आप गुलाब जामुन को खाएंगे. अब यहाँ पर आप समझिए कि सुख दुख का आपका लेवल पैरेलल है. अब होता यह है कि आप इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं होते. आपको क्या चाहिए आपको प्लेजर चाहिए ठीक है. प्लेजर इज समथिंग मज्जा राइट. तो अब भगवान से मांगते हो यू नीड मोर मनी. अब क्योंकि आप ये चीज मांगते रहते हो तो भगवान ये चीज आपको देते हैं क्योंकि आपने जिद पकड़ ली है. अब जैसे वो चीज आप लेते हो आप एक्वायर करते हो दैट मींस आप ये स्केल को इम्बैलेंस कर देते हो. भगवान पैसा भी आपको देगा लेकिन आप ये याद रखिए कि आपको सामने प्लेजर के सामने दुख भी इतना स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा क्योंकि सुख दुख का साइकिल होता है. इसको कहते हैं लॉ ऑफ कर्म. जो जीव धर्म में कोई भी प्रकार की लालच नहीं है कि आप जो है यहां पर आ जाइए ऊपर और मजे करिए जॉय करिए. और ये कोई धर्म की भी बात नहीं है. इनफैक्ट हिंदू जो वर्ड है वो तकरीबन 100-150 साल पहले ही आया हुआ है. तो जिसकी उत्पत्ति हुई है उसको एक दिन खत्म भी होना पड़ेगा. लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं. वो तो था है और रहेगा. बरही ओवरसीज का प्रश्न है काइंडली आंसर द लाइफ एट कृष्ण धाम इन डिटेल. कृष्ण धाम के बारे में विस्तार से बताएं प्लीज गुरुजी. प्रभु जी फिर गुरुजी सब एक्चुअली मैं शिष्य हूँ. आप ध्यान रखें कृपा करके मैं शिष्य हूँ. गुरुजी कौन है श्री वृंदावन चंददास जी और भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद. हम शिष्य बनने के लिए प्रयासरत हैं आप और हम सब ठीक है प्रभु जी. तो अब आप करें कृष्ण धाम के विषय में. तो प्रभु जी देखिए ज्यादा तो हमें बताऊंगा नहीं इसके अंदर आपको ठीक है ना प्रभु जी. क्योंकि गुरु जी जब भी ऐसे प्रश्न किए गए हैं या प्रभुपाद जी से जब ऐसे प्रश्न किए गए हैं तो प्रभुपाद जी यही चीज बोलते थे भाई वहां जाके देख लो क्या करो वहां चले जाओ फिर देख लेना समझ रहे हो आप. लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ. जैसे वहां पर सुरभि गायें हैं परंतु जैसे सुरभि गायें बोलेंगे तो फिर व्यक्ति क्या सोचेगा अच्छा फिर इसके अंदर मैं कुछ भी मांग सकता हूँ उनसे. सुरभि गायें हैं परंतु कृष्ण सेवा को छोड़कर और अन्य किसी चीज के लिए आइटम नहीं देती हैं. ध्यान रखना आप सोच सुर भी गायेगा लगेगा कुछ भी दे सकती है. कल्प वृक्ष है वहाँ पर. कल्प वृक्ष क्या होता है कल्प वृक्ष से अगर आप कोई भी चीज़ मांगो तो आपको दे देगा. अब लोगों को अगर हम बताएं कि वहाँ कल्प वृक्ष है वहाँ सुर भी गाएं तो लोग क्या योजना बनाएंगे और फिर तो क्या वहाँ चलते हैं. परंतु उनको ये पता नहीं है कि वो दे तो देगा परंतु आप पहले तो वहाँ पर जाएगा कौन व्यक्ति जो शुद्ध होगा. कौन जाएगा जो शुद्ध होगा. तो शुद्ध व्यक्ति कल्प वृक्ष हो चाहे क्या हो सुर भी माता हो सबसे एक ही चीज़ मांगेगा कि मेरे को कृष्ण भगवान की सेवा करनी है ये चीज़ चाहिए भगवान की सेवा करनी है ये चीज़ चाहिए. भगवान की सेवा के लिए मांगेगा अपनी तृप्ति के लिए नहीं. इसलिए पहले हमको शुद्ध बनना पड़ेगा तो हम वहाँ पहुँच सकते हैं. तो वहाँ का सारा बस इतना समझ लीजिए प्रभु जी कि वो जगत जो है वो इस भौतिक जगत की तरह नहीं है. जो जैसा कि भगवद्गीता में बोला गया है कि न तद्भाषित सूर्यो न शशांको न पावका यद गतवा न निर्वतनते तद धाम परम ममा. जो भगवान ने गीता के अंदर बोला है कि जो मेरा परम धाम है वहाँ न तो सूर्य चंद्र इनकी किसी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भगवान की जो अंग कांति उससे इतना प्रकाश निकलता है कि वहाँ पर जरूरत ही नहीं पड़ती न सूर्य की जरूरत होती न चंद्र की जरूरत होती है. तो ये जो भगवद्गीता में वर्णन दिया गया है वो मैंने आपको बता दिया और भी डिटेल है परंतु हम आपसे निवेदन ये करेंगे कि हमारे ये जिम्मेदारी है हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आप को इस भौतिक जगत से निकालने में लगाएं क्योंकि प्रभु जी और भी बहुत डिटेल है और हमारी समझ से परे ऐसी डिटेल भी है. तो क्या करो जाके वहां देख लो प्रभुपा जी हमें.
क्योंकि अभी वर्तमान स्थिति में हम क्या है, चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया, हे भगवान कृष्ण मैं आपका नित्य दास किनकर हूं, फिर भी न जाने किस तरह मैं जन्म तथा मृत्यु के सागर में फंस गया हूं। तो इसका मतलब हम किस स्थिति में, अभी हम जन्म मृत्यु के सागर में गिरे हुए हैं, तो हमें क्या प्रश्न करने चाहिए प्रभु जी कि इससे कैसे निकलूं मैं। वहां क्या है, वहां सिर्फ इतना समझ लो नित्य आनंद है, नित्य 24 घंटे हम भगवान की सेवा करते हैं और हर समय प्रसन्न चित रहते हैं, आनंद भी जो प्राप्त होता है वो हर क्षण बढ़ता चला जाता है। ये एक मोटी मोटी मैंने आपको बता दिया है आत्मा, तो हमारा भला किसमें, भगवान की सेवा में 24 घंटे लगने में, क्योंकि जब आत्मा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में 24 घंटे लगेगी तभी उसको वो सुख प्राप्त होगा जिसको हम जन्म जन्मांतरों से ढूंढ रहे हैं न जाने कहां कहां पर। एक ही चीज से वो प्राप्त होगा, कृष्ण भगवान के साथ जुड़ने से, उनकी प्रेम में सेवा करने से। इसलिए जो प्रेम में सेवा में लगा हुआ है वो चतुर है, बाकी सब मूर्ख हैं। क्योंकि क्यों बोला गया है ऐसा, शास्त्र बोल रहे हैं कृष्ण को भजे जे नर चतुर, इसीलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दोस्तों कि आपने यहां तक ये वीडियो देखा। अब आपका टाइम आ चुका है परीक्षा का, सो मेक श्योर दैट यू अप्लाई फॉर द टेस्ट। आप YouTube डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, लिंक अवेलेबल है, और टेस्ट आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप और स्पिरिचुअल एडवांस नॉलेज कंटेंट दिया जाएगा वो भी बिल्कुल फ्री। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।